वालेकुम सुबह सवेरे पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग आप सबको। और सुबह सवेरे पाकिस्तान में सबसे अच्छी बात आज की जो है, आज तो वैसे भी 1 अगस्त है और वैसे अगस्त का महीना हम सब लोगों के लिए बड़ा प्यारा होता है। जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो आज़ादी की नेमत की बात होती है तो हमें अंदाज़ा होता है कि वैसे तो जद्दोजहद कई सालों से चलती हुई आ रही थी, करोड़ों मुसलमानों की थी, कई रहनुमा थे और एक लीडर थे हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अनथक कोशिश की, जद्दोजहद की हम सब लोगों के लिए ताकि एक आज़ाद सरजमीन पर आज़ादी के साथ हम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो 1 अगस्त की जब हम बात करते हैं, पूरे अगस्त के महीने की बात करते हैं, तो इस महीने के आगाज़ भी हमें पता चलता है, तारीख़ के औराक को पढ़ने के बाद अंदाज़ा होता है कि हमारी जद्दोजहद 1 अगस्त के बाद कितनी ज़्यादा ज़ोर पकड़ चुकी थी। और इस जद्दोजहद के नतीजे में बेशबहा मुसलमान हैं जिन्होंने अपनी जानों की क़ुरबानियाँ दी, वो बूढ़े भी थे, वो जवान भी थे, वो औरतें भी थीं, वो बच्चे भी थे जिन्होंने अपनी जान के नजराने पेश किए। अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए इन तमाम बुज़ुर्गों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए कि ताकि हम आज़ादी से सांस ले सकें, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकें। फिर जब हम दो कौमी नज़रिए की बात करते हैं तो फिर उससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान को एक अलहदा मुल्क को हासिल करने के, अलहदा सरजमीन को हासिल करने के लिए हमारी कोशिशें क्या थीं और उसके मकासद क्या थे। आज़ादी यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी नेमत है। जब हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ को देखते हैं जहाँ पर लोग आज़ादी से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि आप आज़ादी के साथ अपने घर पर बैठे हैं, आज़ादी के साथ जहां दिल करता है घूमते हैं, बिना किसी पाबंदी के आप इंजॉय करते हैं अपनी सांस को, अपनी ज़िंदगी को। तो आज़ादी की नेमत को इंजॉय करें, मगर जिस मकसद के लिए इस आज़ाद मुल्क की हमें ज़रूरत पड़ी और ये आज़ाद मुल्क हमने हासिल किया, क्या हमने उसके तमाम मकासद को पूरा किया, क्या हमने इस नेमत का उस तरह से शुक्र अदा किया जिस तरह से हमें शुक्र अदा करने की ज़रूरत थी। तो ये वो एक सवाल है जिसके लिए सभी सोच विचार कीजिए, अपने जहन में बात कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि वाकई क्या आज़ादी की इस नेमत को हमने उस तरह से उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जिस मकसद के लिए हमारे रहनुमाओं ने और हमारे लीडर ने हमारे लिए बेशबहा जद्दोजहद की और करोड़ों मुसलमानों की जद्दोजहद में बहुत सारे लोगों ने अपनी जानों का नजराना भी पेश किया। तो चलिए, आज़ादी तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी नेमत है, सबको इन्जॉय कीजिए, अगस्त के महीने को एंजॉय कीजिए और इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद वो तारीख हमारे सामने आएगी जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, जब हमारा पाकिस्तान बना, तो उसको भी एंजॉय करेंगे। मगर इसके साथ साथ जब हम सुबह सवेरे पाकिस्तान में इतनी अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर करते हैं तो उसका मकसद सिर्फ इतना होता है ताकि आपको अवेयर किया जा सके, बताया जाए वो सबक, वो पैगाम जो शायद हमारे बड़ों ने हमें बताए थे मगर हम अपनी ज़िंदगियों में इतने मगन हो गए कि उनको भूल चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ मौसम के हवाले से। मौसम के भावताव बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और अगस्त के महीने में वैसे कहते हैं कि गर्मी की शिद्दत शायद हब्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मगर इसके साथ साथ इस मौसम को आप इंजॉय भी करते हो इस तरीके से क्योंकि अगर बारिश हो जाती है मौसम अच्छा हो जाता है, मगर इसके साथ साथ पूरा साल बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर बासी परेशान होते हैं कि अगर खुदा न खास्ता बारिश होगी तो फिर उनके लिए क्या होगा, जैसे कि कराची की सिचुएशन है। तो चलिए मौसम मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले शहर लाहौर का मौसम आपके साथ शेयर करते हैं। शहर लाहौर में मौसम में अगर दर्जा हरारत कम से कम 25 है और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया तो 30 डिग्री तक जा सकता है और कह रहे हैं कि लाहौर में आज बादल और इसके साथ साथ सूरज की आंख मचोली आज सारा दिन जारी रहेगी। लाहौर में तो बादल और सूरज की आंख मचोली जारी रहेगी मगर सेम सिचुएशन हमें इस्लामाबाद में भी नज़र आएगी क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर भी सारा दिन ऐसा ही मौसम रहेगा, मगर डिग्रीज की अगर बात करें तो कम से कम 24 डिग्री तक जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री हो सकता है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, कराची के हवाले से पूरा मुल्क परेशान था कि अल्लाह करे वहाँ पर बारिश का सिलसिला रुक जाए, शुक्र है अल्लाह का कि वहाँ पर बारिश का सिलसिला रुक गया। कल रात से बहुत ज़्यादा अपडेट्स आ रही थी कि बारिश रुक चुकी है, मगर उसके बावजूद इस बारिश ने जो तबाहकारियाँ मचाई हैं उसके लिए यकीनी तौर पर दिल पर बहुत दुख होता है, अफसोस होता है। हम वैसे तो कराची शहर को इकॉनमी हब कहते हैं और इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करते हैं कि पाकिस्तान में आए इन्वेस्ट करें, मगर जो हमारी सूरत हाल है उसके बाद शायद हमारा कुछ कहना बनता नहीं। कराची के हवाले से बात करेंगे मगर अभी मैं इसके मौसम को आपके साथ शेयर कर लेती हूं। कराची में इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत 28 और मैक्सिमम 31 डिग्री तक जा सकता है। वैसे कराची के हवाले से सारा दिन की प्रेडिक्शन ये है कि शुक्र है अल्लाह का बारिश रुक गई है, मगर सारा दिन कह रहे हैं कि अभी बादल अपना डेरा जमाए रखेंगे और मगर बारिश का कोई इम्कान नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पिशावर शहर का मौसम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इस वक्त जो पिशावर की सूरत हाल है, कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री तक जा सकता है।
क्वेटा की सूरत हाल भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है मौसम के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर सूरज पूरी आबोताब के साथ आज चमकता रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 21 और मैक्सिमम 38 डिग्री हो सकता है। अभी मौसम की सूरत हाल हमने आपके साथ शेयर की, तो चलिए हम अपने हीरोज़ की बात करते हैं। हीरोज़ तो हमारे बहुत सारे हैं, तारीख़ में इतने हीरोज़ हैं कि अगर हम रोज़ाना किसी ना किसी हीरो के बारे में बताते रहे तो शायद साल के पूरे दिन ख़त्म हो जाए, मगर हमारे हीरोज़ की तादाद ख़त्म नहीं होगी। तो आज 1 अगस्त है और अगस्त के ही हवाले से हमने अपने हीरोज़ का इंतखाब किया है। हीरो पाकिस्तान आज के हमारे सर सैयद अहमद खान साहब थे, जिनके मुतालिक हमने आपको बड़ी ही प्यारी रिपोर्ट दिखाई, उनकी जद्दोजहद से मुतालिक और कौम के अंदर उन्होंने कौन सा जज्बा बेदार किया उससे मुतालिक। इससे मज़ीद ऐसे कई पॉइंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी तारीख़ की चीज़ें हैं शायद जिनसे हम वाकिफ़ ना हो सकें। तो तारीख़ के उन्हीं और आग को खंगालते हुए हमारे पास यहाँ पे बड़े ही मौज़ज़ गेस्ट मेरे साथ हैं, डॉक्टर अमजद मक्सी साहब, तारीख़ पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सुबह सवेरे पाकिस्तान में मैं आपको वेलकम करूँगी। आज चूंकि अगस्त का स्टार्ट हो गया है, 1 अगस्त है, तो हमने चुना है अपने हीरो को जिनका नाम है सर सैयद अहमद खान साहब। जब मैं अपने रहनुमाओं की बात करती हूं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अनथक मेहनत की, जद्दोजहद की, तो सर सैयद अहमद खान का नाम भी सामने आता है। अगर हम सर सैयद साहब के अहमद खान साहब की बात करते हैं तो कौम के लिए उन्होंने कौन से ऐसे इकदाम किए जो आप समझते हैं कि आज की हमारी जनरेशन को उनके बारे में नॉलेज नहीं है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुझे दावत देने का। तो आपने बहुत ही खूबसूरत इंतखाब किया कि सर सैयद अहमद ख़ान जो वाकई हमारी तहरीक आज़ादी के हरावल रहनुमा हैं, और उन्होंने 19वीं सदी में जब मुसलमानों ने बरसगीर बहुत बड़ी एक मायूसी का शिकार हो चुके थे, जब जंग आज़ादी में नाकामी के बाद बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जो है परेशानियों का एक आलम था, तो सैयद अहमद ख़ान ही वो हस्ती थी उस वक्त 19वीं सदी में जिन्होंने अपनी कौम को अपनी अंधेरों से निकालने का अलम बुलंद किया, और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने उस चैलेंज को जो है वो उसका हल निकाला। क्योंकि उस वक्त देखें कि जंग आज़ादी के बाद जो मुसलमानों को एक और बड़ा चैलेंज दरपेश था, वो जो हुक्मरान जहाँ पर बन चुके थे अंग्रेज़, उनकी तरफ से एक बहुत बादएतमादी का एक आलम था जो मुसलमानों के लिए था, कि वो समझते थे कि मुसलमान ही शायद वाहिद वो कौम है जो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ, वो इसको बगावत कहते थे। क्योंकि अगरचे जो दूसरी कम्युनिटी यहाँ पे थी, हिंदू भी इनके साथ थे मुसलमानों के साथ, लेकिन जब जैसे ही जंग आज़ादी में नाकामी हुई तो हिंदुओं ने जो है वो अपना वतीरा चेंज करके तो वो अंग्रेज़ के साथ मिल गए, और अंग्रेज़ का जो उस वक्त हुक्मरान थे उनका तमाम गुस्सा जो है वो मुसलमानों के ऊपर आके निकला। तो सर सैयद अहमद ख़ान के लिए ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरीके से अंग्रेज़ की जो बदएतमादी थी मुसलमानों के ऊपर उसको भी दूर किया जाए और मुसलमानों को एक पुरअमन कौम के तौर पर, एक तालीम याफ्ता कौम के तौर पर, और जो जदीद तालीम का निज़ाम अंग्रेज़ ने यहाँ पर राइज किया था उसके साथ अपने आप को मुताबकत पैदा करते हुए जो आने वाले चैलेंज थे उनसे जो है वो निपटा जाए। क्योंकि एक ये हुआ कि जैसे ही हुकूमत आई तो उन्होंने मुलाजमतों में सिर्फ उन लोगों को हिस्सा देना शुरू किया जो उस तालीम से जो है जिनके पास डिग्रियां थी, तो मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा मसला मुआशी लिहाज से पैदा हुआ कि किस तरीके से इस मुआशी चैलेंज से निपटा जाए। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने एक बहुत, मैं समझता हूँ, मल्टी प्रॉन्ग्ड एक स्ट्रेटजी अपनाई, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ अंग्रेज़ के साथ मुसलमानों के तल्लुकात इस्तवार करने के लिए, इवन हिंदुओं के साथ भी सर सैयद अहमद ख़ान ने एक टॉलरेंस की और मैं कहूँगा प्लूरलिज्म की पॉलिसी अपनाई, और उसके साथ साथ उन्होंने मुसलमानों को बार बार इस चीज़ का एहसास दिलाया, ना सिर्फ अपनी तहरीरों के ज़रिए बल्कि मदरसे कायम किए, तालीमी इदारे कायम किए, रिसाले निकाले, तकारीर की कि आपको जो इस वक्त जदीद तलीम निज़ाम है उसको आपको अपनाना चाहिए और उसमें अपने आप को एक्सेल करना चाहिए ताकि आप मौजूदा जो इस वक्त चैलेंज है उससे मीट कर सकें। दूसरी सर सैयद अहमद ख़ान की जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी वो ये था कि उनका जो हमने जुदागाना इंतखाब का हक हमने 1906 में शिमला वफ्त की सूरत में जब हमने मांगा था अंग्रेज़ वायसराय से, उसके बानी भी सर सैयद अहमद ख़ान थे। क्योंकि उन्होंने अपने 1894 में वो अपने हालात में ये देख चुके थे कि मौजूदा हालात में जो अंग्रेज़ की तरफ से नया सियासी निज़ाम यहाँ पर लाया जा रहा है उसमें मुसलमान बतौर कौम अपने हकूक़ का तहफ़ नहीं कर सकते। तो सर सैयद अहमद ख़ान वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने
बाकायदा खत लिखकर अंग्रेज वायसराय से जो है वहाँ से ये मुतालबा किया कि यहाँ पे मुसलमानों के लिए अलहदा जुदा गाना इंतखाब तो कि अगर हम सर सैयद अहमद खान साहब की शख्सियत का मुवाजना करते हैं डॉक्टर अमजद साहब, तो हमें उनकी ज़ात एक ऐसी शख्सियत नज़र आती है जो कई खूबियों के मालिक थी, बहुत सारी खूबियों का मजमुआ थी। हम सियासत की बात करें, तहकीक की बात, अदब की बात करें या तालीम की बात करें, गिरां कदर उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अमजद मकसद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने कोशिश की कि सर सैयद खान साहब से मुतालिक कुछ उनसे ऐसी मालूमात हासिल कर सके जो शायद आज की हमारी जनरेशन भूल चुकी है। तो अपने रहनुमाओं की बात कर रहे हैं, अगस्त के महीने की स्टार्ट की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि अपने पाकिस्तान, अपनी प्यारी धरती की हम बात ना करें। तो हमारी कोशिश होगी इस पूरे महीने के अंदर कि हम कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने मेरा पाकिस्तान में लाते रहें जिनसे मुतालिक आपको जद्दोजहदी आज़ादी से मुतालिक पता चलता रहे, उन शख्सियात की खूबियाँ और इसके साथ साथ उन शख्सियात से मुतालिक भी। तो जद्दोजहदी आज़ादी किस तरह से हुई, क्या क्या उसके लिए खिदमत सर अंजाम दी गई, क्या क्या कोशिशें की गई, हमने अपने इस विरसे को बड़े महफूज तरीके से अपने आने वालों के लिए रखा हुआ है। तो चलिए आपको ले चलते हैं मेरा पाकिस्तान में एक ऐसी जगह पर जहां पर आपको जद्दोजहद आज़ादी से मुतालिक बहुत सारी मालूमात हासिल हो सकेंगी। योम आज़ादी करीब आ गया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मोनोमेंट म्यूजियम तहरीक आज़ादी में दिलचस्पी रखने वालों की तवज्जो का मरकज बन गया। पाकिस्तान मोनोमेंट म्यूजियम इस्लामाबाद में शकरपड़िया की पहाड़ी पर वाक़ है। वफाकी वजारत सकाफत पाकिस्तान के जेर इंतजाम अवामी यादगार का संगे बुनियाद 25 मई 2004 को रखा गया और 23 मार्च 2007 को तामीर पाए तकमील तक पहुँची। यादगार पाकिस्तान या पाकिस्तान मोनोमेंट कदीम समाजी इर्तका से लेकर पाकिस्तान के हसूल की जदोजहद, क्या में पाकिस्तान और क्या में पाकिस्तान के बाद अब तक होने वाली बड़ी बड़ी कामयाबियों समेत मुख्तलिफ अदवार की झलक पेश करता है। लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑडिटोरियम, तहरीके पाकिस्तान में कुर्बानियां देने वाले अजीम हीरोज की जिंदगियों के मुख्तलिफ पहलुओं, माजी के दरख्शंदा सितारों के मुजस्मे, पाकिस्तान में होने वाली संती तरक्की के मॉडल, वेंटेज कारें, म्यूजियम में दाखिल होकर तख्लीकी मनासिब देखने को मिलते हैं। यादगार पाकिस्तान की बात करें तो चार अहम पंखड़ियां चारों सूबों सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की नुमाइंदा हैं। तीन छोटी पंखड़ियां तीन आज़ाद इलाकों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और कबाली इलाका जात की नुमाइंदगी करती हैं। इस म्यूजियम को महाना 24,000 से ज्यादा सियाह देखने के लिए आते हैं और क़याम पाकिस्तान के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने वाले मुजाहिदीन और आज़ादी को खराज तहसीन पेश करते हैं। बरे सगीर पर मुस्लिम हुक्मरानों और अंग्रेज राज से लेकर तहरीक आज़ादी और क्याम पाकिस्तान तक की कहानी पाकिस्तान मोनोमेंट में कौमी हीरोज और मशाहिर के किरदार को इस खूबसूरती के साथ बयान किया गया है कि यहाँ आने वाले माजी के तारीखी दरीचों में खो जाते हैं। कैमरामैन अनीस ख्वाजा के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। मेरा पाकिस्तान में हमने आपको ज़बरदस्त जगह की सैर कराई, आपको मालूम हो सके आज़ादी से मुतालिक, मगर इसके साथ साथ जिस तरह से मैंने मौसम का अहवाल शेयर करते हुए आपके साथ इस चीज़ को भी शेयर किया था कि जब हम बात करेंगे मौसम तो कराची शहर के हवाले से ख़ास तौर पे बात करेंगे क्योंकि बारिश तो चली गई मगर जाते जाते बहुत सारी तबाहकारियाँ वो अपनी जगह पर छोड़ गई हैं। और इसके साथ साथ उन तबाहकारियों में कहा जाता है कि मुतलका ऐसे इदारे हैं जिनके बिल जो लोगों को मिले हैं वो आसमान पर हैं मगर उनकी तारें जो हैं वो ज़मीन के ऊपर हैं। तो ये सारी सूरत हाल इस पर बात करेंगे। इस वक्त वहाँ पर चूंकि ईद उज़ा की आमद आमद है, लोगों की बड़ी तादाद, कराची की मंडी की तो बात ही कुछ और होती है, इतनी खूबसूरत मंडी होती है, मगर बड़ी तकलीफ़ में हम सब लोग जब देखते हैं कि कराची शहर की यह सूरत हाल है। इस वक्त कराची में क्या सूरत हाल है और कितना कीचड़ वहाँ पर मौजूद है, जानवरों की कितनी बड़ी तादाद है, व्यापारियों का क्या कहना है, हमारे नुमाइंदे कराची से चांद नवाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। चांद नवाब, मुझे ये बताइएगा, बारिश तो चली गई मगर जाते जाते पूरे कराची के अंदर तबाहकारियाँ मचा गई है, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और खास तौर पे हमें मवेशी मंडी के हवाले से अपडेट कीजिए क्योंकि बहुत प्यारी मंडी है कराची की, मगर इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है? बारिश तो चली गई क्योंकि कराची की आवाम ने बारान रहमत से अल्लाह ताला से दुआएं की, बारान रहमत बन जाए, लेकिन उनके लिए जहमत बन गए। जो कराची शहर रोशनियों का शहर कहलाता था वो अब
پانی، دلدل اور سیلابی صورتحال ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں، جہاں پورے پاکستان سے جانور، خوبصورت جانور لا جاتے ہیں، لیکن یہ منڈی جو میرے پیچھے عقب میں نظر آ رہی ہے، یہ کچے روڈ سے پکے روڈ پہ آ گئے، کیونکہ منڈی میں جگہ نہیں ہے، پانی جل تھل ہو گیا ہے، پانی بھرا ہوا ہے، ہر جگہ کینٹوں میں پانی بھرا ہوا ہے۔ یہاں بیپاری کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اپنا جانور بیچے چلے جائیں، کیونکہ پانی پینے کا نہیں ہے بیپاریوں کے لیے۔ جانور جو ساری رات پانی میں دو دن کھڑے رہے، اب ان کو سڑکوں پہ لائے گئے، ان کے پیر خراب ہو گئے۔ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کوئی جانور ڈاکٹر کے لیے کیمپ نہیں لگایا گیا، پورا شہر جو وہ ہے اپارٹمنٹ سے بنا ہوا ہے، تو جگہ باندھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ باندھے تو کہاں باندھے جی؟ ہاں آپ سے انفارمیشن لیتے ہیں، مگر یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، جس طرح سے نظر گاڑیاں پانی کے اندر، بارش کے پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہیں، اور ہمارے رپورٹر چاند نواب بھی بتا رہے تھے، اتنے پیارے پیارے جانور کراچی کی منڈی میں لائے جاتے ہیں، اتنے خوبصورت جانور لائے جاتے ہیں کہ آپ کا دل چاہتا ہے آپ سبھی جانور اپنے گھر لے جائیں، مگر یہ جو صورتحال ہے کہ جانوروں کے کہا جا رہا ہے کہ پیر ہی خراب ہو گئے۔ اچھا مجھے یہ ایک چیز ہے جو ہم نے بڑی سوچ وچار کے بعد نکالی اور ہمیں ملی ہے یہ چیز ہماری ٹیم کو، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک پول نظر آ رہا ہے، بجلی کا یہ پول ہے، اور اس کی ارد گرد آپ کو جو یہ وائٹ والا حصہ نظر آ رہا ہے، اس کی آس پاس لکڑی کا بلاکس ہے، وہ اس کے ساتھ اس کو کور کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ اگر بارش ہو یا پھر پانی کھڑا ہو جائے، تو اکثر پول ایسے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ کرنٹ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ شہریوں کی جانب سے اپنی مدد آپ کے تحت یہ اقدام کیا گیا ہے کہ کراچی کے اندر جہاں جہاں پر بھی پولز ہیں اور اتنے زنگ آلود ہیں، ان کو کور کیا جا سکے، تاکہ اگر بچے گر سکیں تو گزرے، تو ان کو اتنی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اچھا چاند نواب، کراچی کی صورتحال پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو کتنی بڑی تعداد میں بیپاری ابھی بھی موجود ہیں؟ جانوروں کی قیمتیں گر گئی ہیں یا جانور بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ ابھی کیا واپس لے کے جانے والے ہیں وہ بیپاری اپنے تمام جانور؟ ابھی کرنٹ سچویشن کیا ہے منڈی کی؟ جی بالکل، منڈی کی پوزیشن یہ ہے کہ جانور یہاں پر ٹرکوں میں یا بسوں میں جو بکرے چھوٹے جو آپ نے صحیح کہا، بالکل خوبصورت گائے بلوچستان، بولان کی، پنجاب کی، سرحد کی یہاں آتی ہیں، کیونکہ یہ منڈی ہے کہ یہاں پہ ویڈیو بنائی جاتی ہے، کیمپ لگائے جاتے ہیں بڑے اعلیٰ سے درجے، لیکن دام کیا کہہ رہے ہیں؟ جب بیپاری کہہ رہے ہیں کہ جب خریداری نہیں آئیں تو کیا دام لگائیں؟ ہم بھی بیچنے کو تیار ہیں، کوئی لینے تو آئے، کیونکہ کراچی شہر جو پہلے خوبصورت گراؤنڈ ہوتے تھے، کیمپ لگا کے بچے گائے دیکھا کرتے تھے، خوبصورت اسکول جانے سے پہلے اپنی گائے کو، بکرے کو چارہ ڈال کے جاتے تھے، اب وہاں پانی جمع ہو گیا۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہم نے ابھی ریسنٹ بہت ساری، اور آپ نے جو فوٹیج ہمارے ساتھ چل رہی ہیں، ہم منڈی کی صورتحال پہ بات چونکہ کر رہے ہیں، خاص طور پہ کیونکہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، تو یہاں پہ بہت زیادہ کیچڑ بھی جمع ہے، کوئی کیچڑ نکالنے کے لیے فوری طور پہ اقدام ہو رہا ہے کہ منڈی سے نکالا جائے؟ جی بالکل، یہاں پہ منڈی میں کوئی پمپ نہیں لگائے گئے ہیں، یہ بیپاریوں ان کے وہ رو رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں کہ ہم سے پیسے تو لے لیے گئے، نہ پانی نکالا جا رہا ہے، ہم اس سے متعلق مزید بھی انفارمیشن آپ سے لیں گے۔ ڈیفینیٹلی بے کا گلا بنتا ہے، بہت زیادہ پیسے بھی وصول کیے جاتے ہیں ٹھیکے کی صورت میں، مگر اس کے باوجود اتنی بری صورتحال کے بعد افسوس ہی کہا جا سکتا ہے۔ ہم کراچی کی صورتحال پر نظر رکھے رہیں گے، ابھی مجھے سب سویرے پاکستان میں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھنا ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہو رہی ہے چھوٹے دماغ سے متعلق، تو چھوٹے دماغ کو جب بیان کرنا ہم شروع کریں گے تو شاید بہت سارے لوگوں کو اس کی ریزن سمجھ نہ آئے یا یہ ٹاپک آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو، مگر جب ہم اس کو باقاعدہ طور پہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ بیسکلی چھوٹا دماغ ہوتا کیا ہے، بہت سارے لوگ جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو یہ بھی بات آ رہی تھی، نہیں بھی سب کے سر تو ٹھیک ہوتے ہیں، تو دماغ کا تعلق آپ کے کبھی بھی سر کے سائز سے نہیں ہوتا، یہ آپ کی سوچ سمجھ ہوتی ہے، اور آپ ہر مثبت چیز کے اندر منفی پہلو کو ڈھونڈتے ہیں، خود ساختہ پریشانی کا شکار رہتے ہیں، ہر وقت
नेगेटिविटी का एक समंदर है जो अंदर ठाठे मारता रहता है आपके दिमाग के अंदर। कोई भी आपके लिए कोई अच्छी बात करना चाहता है मगर आप उस अच्छी बात को सुन लेते हैं, मगर उसको सुनने के बावजूद आप अपनी मनफियात की उस दुनिया के अंदर घुसे रहते हैं और आपको लगता है कि नहीं, ये शख्स मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा। छोटा दिमाग होता क्यों है, इसमें हमारे अंदर कमियाँ कहाँ से रह जाती हैं, क्या हमारी तरबियत की कोई कमी रह जाती है, हमारी सोच समझ की कोई कमी रह जाती है, या फिर हमारे स्कूल में हमें एक बेहतर टीचर या बेहतर माहौल नहीं मिल पाता, या हम इस किस्म की गैदरिंग में उठते बैठते हैं कि जहाँ पर आपको सबके अंदर लगता है कि नहीं यार कोई भी बंदा मुस्बत नहीं है, कोई भी पॉजिटिव नहीं है, आप नेगेटिविटी की उस दुनिया में, खुद साख्ता परेशानी की दुनिया में घुसते चले जाते हैं और घिरते चले जाते हैं। इस पर बात करेंगे, मुख्तलिफ इसके असरात होते हैं और ये असरात किस तरह से आपको इफेक्ट करते हैं आपके पूरे जिस्म को, आपकी बॉडी को और खासतौर पर आपकी शख्सियत को। इससे मुतालिक बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में हमारे गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करा दूँ, स्कूल प्रिंसिपल भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सादिया माई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया साहब आपको वेलकम करेंगे, इनके साथ हमरा इनके मौजूद हैं माहिर नफ्सियात हैं खुबैब कयानी साहब, खुबैब साहब आपको भी वेलकम करेंगे, एंड वन अनदर मोटिवेशनल स्पीकर अली अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। अच्छा, सबसे पहले मैं खुबैब आपसे शुरू करूँगी, आगाज़ करूँगी। जब हम नफ्सियात की बात करते हैं तो फिर इंसान के दिमाग की भी बात होती है, ये छोटा दिमाग होता क्यों है और कौन से लोग हैं स्पेशली जो छोटे दिमाग का शिकार हो जाते हैं? अच्छा, छोटा दिमाग जो है, इसको हम छोटा जहन कह लें तो थोड़ा सा ज़्यादा आसान, हाँ, वो शायद लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाए। छोटा जहन है उसमें यह है कि जो हम इंसान हैं, हमारा इंसान बुनियादी तौर पर इसके लिए वायर्ड होता है हमारा जहन, कि हम किसी भी सिचुएशन के अंदर जाएं तो सिचुएशन में हम ढूंढने के हमारे लिए ख़तरा क्या है, हाँ, या हमें कहाँ से नुकसान पहुँच सकता है। ये जो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं कि उनके लिए कोई भला करने की भी कोशिश कर रहा हो, कुछ अच्छा भी सोच रहा हो, कोई बेहतर प्लान भी उनके सामने रखें, तो वो फौरन से सोचना शुरू कर देते हैं कि ये बंदा मेरे लिए ऐसे क्यों सोच रहा है, इसके जहन में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है जिसकी वजह से सारी चीज़ होती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने इसी इंस्टिंक्ट को, जो हमारे अंदर ऑलरेडी एक सलाहियत एक हमें हेल्प करने के लिए दी गई है, हमारे सर्वाइवल को बेहतर बनाने के लिए दी गई है, कि हम अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करें, सोशल एनवायरनमेंट को भी और फिजिकल एनवायरनमेंट को भी, और वहाँ से देखें हमारे लिए खतरा क्या हो सकता है। ये हमारे सर्वाइवल को बेहतर बनाने के लिए हमारे अंदर एक पॉजिटिव चीज़ रखी गई है कि हम उसको स्कैन करें और देखें कि हमारे लिए खतरा कहाँ कहाँ से हो सकता है। ये लोग जब इसी एक जो हमारे अंदर ये आप कहिए कि सलाहियत दी गई है, सलाहियत के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, ये ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं इन चीज़ों के बारे में और बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं पे जाके जब आप इसको बहुत ज़्यादा इस सलाहियत को प्रैक्टिस करते हैं कि खतरा कहाँ पे है, खतरा कहाँ पे है, तो फिर आपको सिर्फ ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट में सिर्फ खतरा ही नज़र आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने फोकस किया। जी हाँ, आपके आसपास बहुत कुछ अच्छा हो रहा होता है लेकिन आप क्योंकि अपने जहन को बड़े अरसे से प्रोग्राम करते आ रहे हैं कि मैंने देखना है कि किसी भी जगह पे मेरे लिए फिजिकल या सोशल खतरा क्या हो सकता है, और आप उसको हमेशा बाकी सारी चीज़ों को आप निकाल देते हैं और सिर्फ उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। जब आप सिर्फ वहाँ पे फोकस कर लेते हैं, ऑब्वियसली जहाँ पे आप फोकस कर लें आप वहाँ की चीज़ ज़्यादा उठाना शुरू कर देंगे। जब आप ज़्यादा उठाना शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपका जहन जो है वो इस चीज़ का आदी हो जाता है कि वो बाकी सारा कुछ फिल्टर आउट कर देता है और सिर्फ किसी भी फर्द के अंदर या किसी भी सिचुएशन के अंदर जो वहाँ पे मुमकिन खतरा हो सकता है उसको देख सकते हैं। तो छोटा दिमाग आप कहें कि बनता कैसे, ये एक इसकी साइड है जहाँ पे हम खुद लर्न्ड इस तरह की बिहेवियर अपने आप को या बिहेवियर अप्रोच, जहनी अप्रोच जो है उसको हम शुरू करते हैं। एक ये भी है कि आउट ऑफ बीमारी, आउट ऑफ डिसऑर्डर भी आप कर रहे हो, मेरे ख्याल उसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ लोगों के ब्रेन का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, साइकोलॉजी में बीमारियाँ हैं जहाँ पर आप शक्की मिजाज होते हैं, तो उसको भी हमें रूल आउट नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोई फ़र्द ओरिजिनली जेन्युइनली एक बीमारी के साथ, एक डिसऑर्डर के साथ स्ट्रगल कर रहा हो, तो उसको फिर अगर बहुत ज़्यादा होता, उसमें तो केसेस थोड़े ज़्यादा सवेयर होते हैं कि आपको लगता है कि हर वक्त आपके पीछे एजेंसीज लगी हुई हैं, आप दुनिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं या इस तरह कुछ चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये तो आप बहुत सवेयर किस्म का जो डिसऑर्डर होता है आपका, मेंटल डिसऑर्डर होता है खुबैब, आप उसकी बात करें, मगर सादिया साहब आप मतलब जब हम बच्चों को भी देखते हैं, बच्चा जब स्टार्ट से या स्कूलिंग उसकी शुरू होती है तो बहुत सारी चीज़ें उसके लिए अच्छी हो रही होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो इतनी नेगेटिविटी में चला जाता है, उसकी वजह क्या होती है? आपका माहौल तो घर से शुरू होने के बाद फिर स्कूल प्रॉपर आपको बनाता है, ग्रूम करता है, तो हमारी कमी कहाँ पर होती है कि हमारा बच्चा जो है नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है और किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में नहीं देखता या उसको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करके नहीं देखता, बहुत ही छोटी सोच का हामिल हो जाता है? उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, घर का माहौल, घर पेरेंट्स की बातचीत, उनका रिलेशनशिप, बच्चा देखता है कि बिल्कुल देखता है, इसमें कैसे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। छोटी उम्र का बच्चा, इन्फेंट भी जो होता है, जो 7-8 माह का होता है, वो भी फील करता है, द फादर इज शाउटिंग एंड द मदर इज वीपिंग, तो हमें ये कहा जाता है ना कि छोटा बच्चा हो तो उसके सामने रोया ना करो, हाँ। तो वो बच्चा, हमारे जो हालात हैं और जो हम घर का माहौल है हमारे, वो इतना पॉजिटिव नहीं है और ना ही हम लोग इतने ट्रेंड हैं कि हम अपने बच्चों को पॉजिटिविटी की तरफ ला सकें। मेरे नज़दीक पॉजिटिव माइंडसेट एक ऐसी चीज़ है जो अंधेरे में भी रोशनी आपको दिखा देता है।
लेकिन एक नेगेटिव माइंडसेट जो है वो रोशनी में भी उसको अंधेरा नजर आता है, अंधेरा नजर आता है। और ये बीमारी मेरे नज़दीक तो खैर ये बीमारी नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किसी डिसऑर्डर में जाती है तो वो नार्सिसम का शिकार होता है, वो सैडिस्ट बन जाता है और वो हर एक को यही उसको लगता है कि यू नो मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसमें तमाम दुख मेरे लिए हैं और जो दूसरा इंसान है वो बड़ा जनाब अपने आप को पता नहीं 30 मार खान समझ रहा है, अगर मैं उसकी तरफ कदम भी बढ़ाऊँगी तो पहले तो वो बिल्कुल मेरे से पीछे हटेगा, बिकॉज ही वुड नॉट लाइक कि मैं उसकी तरफ जाऊँ या कदम बढ़ा के उसको बताऊँ कि आओ मैं तुम्हारी सपोर्ट करती हूँ। हेल्प का लफ्ज़ आजकल इस्तेमाल करना ज़रा अच्छा नहीं लगता, आओ हम सपोर्ट करते हैं, लेट्स टॉक इट आउट, आओ देखते हैं कि तुम्हारे फियर्स क्या हैं। ये फियर्स होते हैं हमारे अंदर जो कि हम प्रैक्टिस के साथ, मुझे तो पूरा यकीन है क्योंकि मैं देख रही हूँ, हम निकाल सकते हैं इस फियर अच्छा को। निकाल सकते हैं, लेकिन साजिद साहब ये वो खौफ होता है जो हम खुद ही अपने अंदर पालते हैं और उस खौफ को इतना बढ़ावा दे देते हैं कि उससे निकलना हमें बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, फिर आपका दिल चाहता है आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाए या कोई आपको कोई ऐसा शख्स मिले जो आपको थोड़ा सहला दे, थोड़ा प्यार करे, थोड़ा आपको बताए, मगर उसके बावजूद हम नेगेटिविटी निकाल रहे होते हैं। अच्छा अली अब्बास साहब, इसमें ये होता है छोटी जहनीत, छोटा दिमाग, बहुत सारे लोग हैं जब जैसे हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो भी बात आधी आपके मुंह के अंदर होती है, वो जो नेगेटिव पर्सन है, छोटी जहनीत या छोटे दिमाग का मालिक है, वो आपको बगौर सुनता नहीं है, शाउट करता है और आपके बात सुने बगैर आप खुद से कंप्लीट करता है वो, क्योंकि अपनी दुनिया में रह रहा होता है, उसको पता है कि यार इसने आधी बात अभी ये की, अभी आगे ये कहेगा, ऐसा क्यों होता है, इसको रोकना कितना ज़रूरी है। सैयदना मुहम्मद अलैहि वसल्लम, सर वो जो पहले आप कह रहे थे ना कि जो दिमाग है ना उसका अपना कोई दिमाग नहीं होता, उसके अंदर जो आप शुरू से बचपन से उसके अंदर डालना शुरू करें वही उसको जो माहौल मिलेगा, हाँ। वो जिस इलाके में रहा है, वो जिस मज़हब में पैदा हुआ है, उसको इवन के जो उसका फ़िरका है उसको ये भी नहीं पता होता ये ठीक है या नहीं ठीक, लेकिन उस पर वो लड़ रहा होता है, उसको ये भी नहीं पता होता कि वो ज़ात जिसमें वो पैदा हुआ है वो तो उसको पेरेंट्स की वजह से मिली है, लेकिन वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहा होता है दूसरों से। जितना ज़्यादा फियर आएगा, जितना ज़्यादा खौफ होगा, जितना ज़्यादा गुस्सा आपके अंदर आएगा, उतना ज़्यादा आप अनकंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारेंगे, उतना ज़्यादा आप में फियर जब ज़्यादा रहेगा तो आपको लोगों पे यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, जितना ज़्यादा आप में के अंदर गुस्सा रहेगा तो आपको लगेगा कि कहीं मेरी कोई टांग तो नहीं खींच रहा, कहीं मुझे कोई नीचे तो नहीं गिरा रहा। ये बहुत नजर आता है अली, हमें बहुत नजर आता है ये। जी बिल्कुल, अगर आपका एक्सपोजर नहीं है और आप इल्म के साथ जुड़े हुए नहीं हैं और आप कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूवमेंट में नहीं हैं और आपकी ज़िंदगी का मिशन एक कोई नहीं है, तो फिर जो सारे ये मसाइल हैं आपकी ज़िंदगी में वो आएंगे और आपको ऐसे महसूस होगा कि अगर मुझे जो कोई शख्स बता रहा है जैसे आपने कहा वो मेरा फ़ायदा नहीं करना चाह रहा है, एक्चुअली वो मेरा नुकसान करना चाह रहा है ताकि वो मेरी सीट पर आ सके। जो ऑर्गेनाइजेशन में भी जो लोग काम कर रहे होते हैं वो भी फियर से भरे होते हैं, वो अपने प्लान्स लोगों के साथ शेयर नहीं करते, वो अपने प्लान्स लोगों के साथ शेयर नहीं करते, उनके आइडियाज़ लोगों को सामने मालिकों के सामने खुद प्रेजेंट कर देते हैं, हाँ। कि ये हमारा आइडिया था, वो इसलिए क्योंकि उनको यकीन नहीं होता कि हम टीम बिल्डिंग पे अगर काम करें तो हम बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मैं फटाफट जल्दी से चोरी करके मैं करूं, हाँ। और मेरी ही वाह हो और जब इंक्रीमेंट की बारी आए तो मेरा ही इंक्रीमेंट लगे, मेरा ही नाम हो, जब तख्ती लगती है एक महीने के बाद वो मेरे नाम की लगे। ये सारे मामलात जो हैं वो महरूमी के हैं, जिस शख्स ने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बचपन में महरूमी देखी है उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, जिसमें इल्म ज़्यादा होगा, जिसमें एक्सपोजर ज़्यादा होगा और जो मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करेगा, मुख्तलिफ जगहों पे जाएगा, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाएगा, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों से मुलाकात करेगा, मुख्तलिफ नेशंस के साथ मुलाकात करेगा, तब जाके जो छोटा जहन जो है ना ये इसका सफ़र जो है ना वो बड़े जहन की तरफ चलना शुरू हो जाता है। सही। जितना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा, एक्सपोजर आता जाएगा, नॉलेज आता जाएगा, उतना कम आपके अंदर फियर, एंगर और ये जो छोटी जहनीत है वो होती जाएगी। अच्छा मेरे साथ कॉलर्स भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ जमील मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी जमील, क्या बात करना चाहेंगे आप? सर मेरी एक बेटी है 7 साल की जी, अभी वो ना चल सकती है ना फिर सकती है, सोई रहती है, फिर दूध इस्तेमाल करती है, तो खाने पीने के लिए भी थोड़ा सा देते हैं, वो खुद थोड़ा सा टुकड़ा रोटी करते हैं, कोई चीज नहीं वो खाती है, उसका जो दिमाग है ना छोटा सा बस उधर सर उसका, उसके लिए अगर कुछ हो तो अच्छा ठीक है। थैंक यू सो मच जमील, आपने कॉल की, इस पे ऊपर भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉलर मेरे साथ मौजूद है एसन, उनसे बात करते हैं। जी एसन, क्या बात करना चाहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम मौजूद मेहमानों को बहुत बहुत सलाम और शुक्रिया, आपने अच्छा प्रोग्राम किया प्रोग्राम पे इस टॉपिक पे। अच्छा मैडम, मसला ये है कि मेरी उम्र है 27 साल, ठीक, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं डिप्रेशन का मरीज हो गया हूँ,
और अब मैं यही छोटे दिमाग वाली प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मतलब हर चीज को मैं नेगेटिव देख रहा हूँ। अच्छा, यानी कि आपको हर 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 मुसबत चीज में आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। कुछ गलत हो रहा है, और किस हद तक डिप्रेशन जो है वो छोटा दिमाग बनाने में इन्फ्लुएंस करती है, मेरा ये सवाल है। ठीक है, अभी इसके ऊपर भी बात करते हैं। थैंक यू एसएन, आपने हमें कॉल की। नेक्स्ट कॉलर है अब्दुल मालिक, हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी अब्दुल मालिक, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरा एक बेटा है 2 साल का, ठीक है, तो मैंने इस्लामाबाद में डॉक्टर खलीको दमा है और भी काफी डॉक्टर है, कॉम्प्लेक्स भी है, इसमें भी चेक करवाया है, वो कहते हैं ये 5 साल के बाद ठीक होगा, क्योंकि वो बैठे बैठे उसको दौरा पड़ जाता है, रंग उसका काला नीला हो जाता है, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक ये रहता है इस तरह। मेरे भाई बहुत शुक्रिया, एक तो आपने हमें कॉल की, मगर आज का जो हमारा मौजू था उसके वाले से इंशाल्लाह ताला जो आपका क्वेश्चन भी था, कोई डॉक्टर इस किस्म का बुलाएंगे तो फिर उनसे बात करेंगे। आज का हमारा मौजू थोड़ा मुख्तलिफ था, तो उस पर शायद हम लोग बात ना कर सकें जो आपका सवाल था। अच्छा खुबैब, जो हम बात कर रहे थे, एक तो जिस तरह से ऐसे ने हमें कॉल की, 27 साल की उम्र है, ही इज़ अ वेरी यंग बॉय, डिप्रेशन में चले गए, इस हद तक डिप्रेशन हो गया है कि हर अच्छी चीज़ में उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, ये क्यों होता है और इससे निकलने का आपका तरीका क्या होता है, कि क्या किसी कंसल्टेंट के पास आपको जाना पड़ता है या खुद से अपने आप को कुछ इस किस्म की थेरेपीज करनी पड़ती हैं कि आप ठीक हो सकें? पहली चीज़ तो ये है कि अगर एहसन जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के जो उनके एरियाज़ हैं, उनकी फैमिली का एरिया है, उनके प्रोफेशनल एरिया है या एकेडमिक एरिया है, अगर वो उनमें परफॉर्म नहीं कर पा रहे इस वक्त, उनकी परफॉर्मेंस ख़त्म हो चुकी है, उस पर ऊपर फोकस नहीं कर सकते वहाँ, क्योंकि परफॉर्मेंस नीचे चली गई है, वो छोड़ चुके हैं एरियाज़ को, फिर उनको फौरी तौर पर जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, वहाँ पर हेल्प लेनी चाहिए। और अगर अवेलेबल ना हो साइकोलॉजिस्ट, तो अगर अवेलेबल ना हो, वो ना पहुँच सकते हो, तो फिर इंटरनेट के ऊपर आप बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ी हुई हैं और हम उनको बता सकते हैं कि आप इंटरनेट पर जाके बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। आप जिस एनवायरनमेंट के अंदर हैं उस एनवायरनमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता कि एक घर के अंदर अगर 10 लोग हैं तो 10 में से सारे के सारे नेगेटिव हों, उनमें हो सकता है कि कुछ माइल्डली पॉजिटिव भी हों, थोड़े बहुत पॉजिटिव भी हों, तो आप उनसे टीम अप करके अपने आप को किस तरीके से निकालते हैं। कुछ किताबें आपके पास हमेशा मौजूद होती हैं, पॉजिटिव किताबें बहुत सारे लोगों ने लिखी हुई हैं, उनको आप पढ़ते हैं, पॉजिटिव लोगों के लेक्चर सुनते हैं, तो अगर तो आपके पास नहीं है मौजूद इस चीज़ की सहूलत कि आप जाके साइकोलॉजिस्ट से बात कर पाएँ, तो फिर आप किताबों और लेक्चर्स के थ्रू भी अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ किताबें और लेक्चर्स के थ्रू अपने पूरे पूरे करियर्स को डेवलप किए हैं, तो आपकी ये अप्रोच जो है पिछले कुछ अर्से में फैमिली के अंदर, एहसन के केस में खासतौर पर फैमिली के अंदर बाज़ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, जिनकी वजह से जो है वो नेगेटिव सोचने पर मजबूर हो गए हैं, या वो इनसिक्योरिटी उनकी जो है उसको बहुत ज़्यादा फीड किया गया है पिछले कुछ अर्से में, तो उनको टीम अप करना होगा उन्हीं लोगों में, घर के अंदर मौजूद लोगों में, क्योंकि फैमिली बाय चॉइस नहीं है, फैमिली बाय चांस है। हाँ। तो आप उनके साथ ही रहेंगे। लेकिन ये आपके अपने हाथ में होता है कि आप किस किस्म के मुसबत लोगों में उठते बैठते हैं, जो बड़े पॉजिटिव हैं, आपको अच्छा मशवरा दे सकते हैं। और थोड़ा अगर वो 27 साल के हैं तो फिर उनके पास ऑप्शन है कि वो घर से बाहर निकलें और अपने पर्सपेक्टिव को खोलें, बाहर बहुत सारे लोग हैं, उनसे मिलें, जाके दोस्तों से मिलें, ऐसे लोगों से मिलें जो कि पॉजिटिव हैं, तो जहाँ जो फैमिली के अंदर गलत हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए मे बी उनके पास बाहर एक आउटलेट है जहाँ पे जाकर वो उसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, बाज़ूकात इस तरह की सिचुएशन में हम अपने आपको बिल्कुल बंद कर लेते हैं, हमें लगता है कि हम बिल्कुल मजबूरे महज हैं और बस हम दुनिया में तन तन्हा हैं। हाँ जी, ऐसा नहीं है, आप अपने आप को खोलें, आपके लिए ऑप्शंस खुले पड़े हैं। हाँ। आप जाएं, उनको रिसीव करें, उनको अपने अंदर डालना चाहिए। जब पुरानी इन्फॉर्मेशन को निकालेंगे तो नई इन्फॉर्मेशन आएगी, या नई इन्फॉर्मेशन को अप्रोच करेंगे तो पुरानी इन्फॉर्मेशन उसको जगह देगी। ठीक है। अच्छा सादिया साहब, आप मुझे ये बताएं, बहुत सारे लोग हमें अपने इर्द गिर्द ऐसे भी नजर आते हैं, जैसे मैं किसी नेगेटिव कंपनी में उठना बैठना शुरू हो गई हूँ, मेरे आसपास कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा साइको हैं, बहुत ही अजीबोगरीब बातें करते हैं, तो मैं वैसी हो जाऊंगी, मैं 4 दिन किसी अच्छे लोगों में उठ बैठूंगी जो बड़े पॉजिटिव होंगे, बड़े अच्छे होते हैं, मैं वैसी हो जाऊंगी, क्या ये भी आपके छोटे दिमाग या छोटी जहन की अलामत होती है कि आप जिस किस्म के लोगों में उठते बैठते हैं वही हो जाते हैं, आपकी कोई अपनी राय, अपनी कोई ज़िंदगी, अपनी कोई लाइन ही नहीं होती? ये सिर्फ तब होगा अगर उनकी सेल्फ की अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है और वो अपने आप को अपना आप नहीं समझते। जैसे मेरे लिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मैं अपने आप को सबसे पहले रखूँगी, क्योंकि अगर मेरे पास पानी है तो तब मैं दूसरों तक पहुँचा सकूँगी, पानी का साफ होना ज़रूरी है। अगर हमारे दिमाग के अंदर यही बात रहेगी कि आप बहुत अच्छी हैं, आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, ओहो मेरा तो कुछ भी नहीं हो, छाप मैं यही कल करूँगी, सो इट मीन्स कि मैं एक बिल्कुल नेगेटिव अप्रोच हूँ, मेरा दिमाग जैसे भी आपने कहा छोटा जहन, या उसको इंग्लिश में लो मेंटेलिटी कह लेते हैं, जो उसने हर बात लोग पीछे नीचे जाकर करनी है, उसका ग्राफ कभी ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि उसका दिमाग उसने खुद ही किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हालात उसमें पार्ट प्ले नहीं करते हैं, लेकिन हमारे हाथ में भी बड़ा कुछ होता है। वैसे तो हम बड़े इंटेलिजेंट बनते हैं और हम लोगों को बता रहे होते हैं कि हमें तो हर चीज़ का पता है, यूट्यूब भरी हुई है, गूगल भरा हुआ है,
आप खुद भी तो कुछ हैं। मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ अपने बच्चों को स्कूल में जो पढ़ाती हूँ और हर एक से बात करती हूँ उसमें स्किल्स के साथ मैं कुरान पाक को बहुत लेकर आती हूँ। मेरे नज़दीक वो एक ऐसी किताब है जिसको अगर आप सीने के साथ भी लगवा लें तो आपका दुख बड़ा कम हो जाता है। ये जो भी एहसन कह रहे हैं इनको चाहिए थोड़ा सा कुरान पाक को भी खोलें और उसको देखें कि आपके दुख, वो दुख को कम करता है, लेकिन वो तब दुख को कम करेगा जब आपका दमाग इस बात की आपको गवाही दे रहा है कि दिस इज माय फेथ। ऐसा होगा वो अगर आप इतने इतने कमज़ोर हो गए 27 साल की उम्र में कि आप उसे फाइट नहीं कर सक रहे, तो उसका मतलब है कि सबसे पहले आपको अपनी ज़ात पे काम करना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, थोड़ी एक्सरसाइज करें, किसी के साथ मुकाबला कर सकते हैं, किसी जगह पे खड़े हो सकते हैं। अच्छा अली अब्बास साहब, ये भी होता है कि हमारी कंपनी, हम शायद कंपनी में अगर ना बात करूँ, हमारे कुछ दोस्त होते हैं, बहुत ही पुराने दोस्त होते हैं, मगर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार रहते हैं हर वक्त। हम जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस लोगों के अपने ज़िंदगी गुजारते हैं उनके साथ, उनसे मिलते जुलते हैं, उनसे हर वक्त फ़ोन पे बात करते हैं, किसी दोस्त ने रोके बता दिया यार मेरा ये मसला है बताओ मैं क्या करूँ, जब आप 24 आवर्स ऐसे लोगों के बीच रहते हैं तो क्या इससे आपके अपने अंदर इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि आपका जहन भी उसी लेवल पर चला जाता है, चाहे आप जितने मर्जी ब्रॉड माइंडेड हो मगर आपका भी वही लेवल आ जाता है जो आपके आसपास। डेफिनेटली जो दिमाग है वो गार्बेज इन और गार्बेज आउट होता है। अगर आप उन्हीं जैसे लोगों की ज़िंदगी गुजारेंगे, मैं सरोज आपसे एक रिसर्च शेयर करता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी भी दुनिया में पाकिस्तान में जब लोग रहते हैं वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी में दो शहर देखते हैं, एक जहाँ वो पैदा होते हैं और दूसरा जब उनकी हनीमून होता है तो वो मरी जाते हैं, बस ये दो शहर देखते हैं। जब तक आप अपनी जगहों को अगर आप मुख्तलिफ जगहों पर नहीं जाएंगे और पॉजिटिव लोगों के साथ अपनी मुलाकात नहीं रखेंगे तो अल्टीमेटली 4 और 5 साल के बाद वो उनका रंग जो है वो आपके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। अगर जो आपकी बचपन की जो गैदरिंग्स हैं, जो दोस्ती हैं, अगर आप उन्हीं में महदूद रहेंगे तो वो दिमाग जो है वो छोटा जो है उसी लेवल वो छोटा होता जाएगा। आपको हमेशा एक ऐसी शख्सियत की ज़रूरत होती है जिसके साथ आप गुफ्तगू करके आपको कुछ आइडियाज़ मिलें, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन ये तीनों चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ज़िंदगी में ग्रो करने की कोशिश करती हैं। ऐसे ने जो सवाल किया, अगर कोई दुनिया में इनको इस मर्ज से, इस तकलीफ से, इस परेशानी से निकाल सकता है तो वो सिर्फ एहसन है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इनको निकाल सकता है। जब तक इन्होंने खुद डिसीजन नहीं लेना, जब तक इन्होंने खुद इनिशिएटिव नहीं लेना, तब तक कोई कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि दो तरह की बीमारियाँ होती हैं, एक होती है इनटेंजिबल या इशू कह लें उसको, बीमारी ना कहें, एक होती है टेंजिबल। टेंजिबल बीमारी ये है, तकलीफ ये है, आपकी टांग टूट गई। जब आपकी टांग टूट गई तो आपका उसमें कोई ख़ास किरदार नहीं है, डॉक्टर ने उसको जोड़ देना है, उसके अंदर सरिया डाल के फिर बाद में उसके ऊपर प्लस्तर लगा देगा, वो 1.5-2-3 माह में वो ठीक हो जाएगी। जो दिमाग की जो उलझने हैं ना, इसमें ज़्यादा किरदार इंसान का अपना होता है। जब तक इंसान अपने साथ ऐसे लोगों को नहीं जोड़ेगा, ऐसी एंटरटेनमेंट को नहीं जोड़ेगा और उन चीज़ों की लिस्ट डाउन नहीं करेगा जिससे उसको खुशी मिलती है, जिससे उसको पॉजिटिविटी मिलती है, जब उन एक्टिविटीज़ को लाइन डाउन करेगा और वो करना शुरू कर देगा और जब अपने आप को स्पोर्ट्स भी खास तौर पे इंडल्ज करेगा तो ये फिजिकल फिटनेस भी हो जाएगी और जो स्ट्रेसेस हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, एंजाइटीज हैं, डिप्रेशंस हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जाते ठीक है। मेरे पास लास्ट 1 मिनट है खुबैब कहने साहब, आप जो लोग छोटे दिमाग या छोटी जहनीत के हामिल हैं, अपनी एक सर्कल के, अपनी ही सोच के दायरे के अंदर मौजूद रहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें, वो लोग जो बड़े परेशान हैं, इस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज हो जाए? मैसेज मेरा यही है जी कि अगर आप अपनी इस अप्रोच को थोड़ा सा एनालाइज करें तो पर्सनल लेवल पे भी और सोशल लेवल पे भी बहुत बड़ी कॉस्ट पे की होगी आपने अभी तक इस जहनीत के साथ। तो बेहतर ये है कि आप इस जहनीत से बाहर निकलें। वो बाहर निकलने के लिए यही कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर एक्सेप्टेंस लेके आएँ मुख्तलिफ तरह की डाइवर्सिटी के लिए। वो डाइवर्सिटी जो है आइडियाज़ की भी हो सकती है, वो डाइवर्सिटी लिविंग स्टाइल की भी हो सकती है। जब आप किसी खास जगह पर रहते हैं और ख़ास जगह के आइडियाज़ को लेकर अपनी पूरी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली आप अपने कम्फर्ट जोन के आदि हो चुके हैं। कम्फर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलें, जहाँ पे आपने अपने सेफ्टी का जो मैार सेट किया है वो उस मैार से थोड़ा सा बाहर जाएं, अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करें ताकि आप ज़्यादा थोड़ा आपका जहन भी खुल सके। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बस आखिरी जुमला ये है कि इनको जो डिप्रेशन में है, जो एंजाइटी में है, उनको मोहब्बत करनी चाहिए, उनको इश्क करना चाहिए। अगर वो इश्क और मोहब्बत करेंगे तो जब उनकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत और अच्छी पर्सनैलिटी आएगी, उनकी ज़िंदगी एनर्जाइज हो जाएगी, वो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच अली अब्बास साहब, खुबैब कहानी साहब, सादिया वाइन साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। मुझे इसके साथ ही इसकी सेगमेंट की क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। इंशाल्लाह जब ब्रेक से वापस आएंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में तो बात करेंगे शुगर के हवाले से, जिसका मरीज हर घर में किसी न किसी सूरत मौजूद होता है। हमारे साथ
रिपोर्ट दिखाई शुगर से मुतालिक, डायबिटीज के इस मर्ज से मुतालिक, और इसका मरीज, वैसे तो हम बहुत सारी बीमारियों की बात करते हैं मगर जब हम शुगर की बात करते हैं, डायबिटीज की बात करते हैं, ये भी बहुत तेजी से फैलता हुआ मर्ज है। और कम से कम हर घर में एक शख्स ऐसा जरूर मौजूद होता है जिसको शुगर या डायबिटीज जरूर होती है। और इसके ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी मीठा आप कंप्लीट छोड़ देते हैं तो उससे ये हो जाता है, कुछ कहते हैं कि जी आप मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं उसकी वजह से भी हो जाता है। मगर शुगर की बीमारी असल में है क्या, इसके होने की वजूहात क्या हैं और अलामतें क्या हैं, इसकी स्टेजेस कितनी हैं, कौन सी स्टेज पे इसका इलाज मुमकिन हो सकता है और कौन कौन से तरीके से इस बीमारी का इलाज किया जाता है या इसको एटलीस्ट कंट्रोल किया जाता है, इस पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे गेस्ट मौजूद हैं। पहले मैं तारुफ करा दूँ, डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अहमद साहब मौजूद हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया, ये शुगर या डायबिटीज़ के मर्ज़ के स्पेशलिस्ट हैं, इनसे डिटेल में बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ मारूफ हर्बलिस्ट हैं डॉक्टर फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको भी हम वेलकम करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। डायबिटीज़ से मुतालिक या शुगर से मुतालिक अगर आप पेशेंट हैं या किसी के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी आपका सवाल है तो आप फ़ोन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं हमारे साथ, अपना मसला शेयर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे पहले आप ये बताइए, शुगर की हम बात करते हैं, शुगर की बीमारी असल में है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलाम अला खातमिन्नबियीन। असल में जी शुगर की बीमारी जो है ये जिस्म के अंदर, आप ये समझें कि जो चीज़ हम खा रहे हैं उसको अच्छी तरह प्रॉपरली, जो हमारे बॉडी का हिस्सा बनना चाहिए वो हमारे लिए नुकसानदेह होना शुरू हो जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो कार्ब है, जो नशास्ते वाली चीज़ें हैं, उनकी वजह से बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और लबलबा जिसको पैंक्रियाज कहते हैं, उसके अंदर जो उसको एब्जॉर्ब करने की और उसको कम्बैट करने की, उसको मेटाबोलाइज करने की जो सलाहियत है, वो कुछ लोगों में कम हो जाती है और कुछ लोगों में बाय बर्थ बीटा सेल्स जो पैंक्रियाज के हैं, जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, उनकी डेफिशिएंसी होती है। इसकी वजह से हम शुगर को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। टाइप वन कहते हैं उस डायबिटीज़ को जिसमें सिरे से बीटा सेल्स मौजूद ही नहीं है, जो भी चीज़ खाएंगे बीटा सेल जो इंसुलिन जिन्होंने सीक्रेट करनी है, इंसुलिन की नेट इंसुलिन डेफिशिएंसी है जो कि बाई बर्थ होती है। दूसरी वो इंसुलिन है, दूसरी जो डायबिटीज़ है जो एक्वायर्ड है, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और इस वक्त पाकिस्तान में आलमोस्ट 19% इंसीडेंस है उसका पॉपुलेशन में, टाइप 2 डायबिटीज़ का। और अगर इसी तरह हमारी जिसमें हम प्रिवेंटिव मैयज ना रहे तो ऐसे खदशा है जो जिसका इजहार किया जा रहा है कि 1935 तक ये इंसिडेंस तकरीबन 65% तक बढ़ सकता है। अच्छा, अगर हमारी डाइटरी हैबिट्स यही रहीं, हमारी स्ट्रेस का लेवल यही रहा और हमारे बैलेंस बिटवीन द इनटेक और आउटपुट उसमें अगर इम्बैलेंस रहा, इसलिए बेहतर सबसे इलाज इसका यह है कि इसको हम प्रिवेंट करें, ऑलरेडी इसको होने से बचाएं। तो वंस इट इज़ देयर तो स्टार्ट ऑफ द पीरियड के अंदर, पहले 2 या 3 सालों के अंदर तो अगर पता चल गई तो इसको तो रिवर्स भी किया जा सकता है विद डाइट एंड विद कंट्रोल ऑफ डाइट एंड वेट रिडक्शन के साथ। लेकिन अगर ये आगे चली जाए, प्रोग्रेस कर जाए और ऑर्गन्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करना शुरू कर दे, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाए, फिर इसकी रिवर्सल मुश्किल हो जाती है, इनके कंट्रोल भी इसका मुश्किल हो जाता है। कंट्रोल के लिए तो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हैं, ड्रग्स हैं, आईवी इंजेक्शंस हैं, उसके साथ हम इसको कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन इवन इफ इट इज कंट्रोल तो जिसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं दे हैड टू हैपन। ठीक है, अच्छा कंट्रोल करने की भी बात हो रही है, इसको रोकने की भी बात हो रही है। डॉक्टर फैसल मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, डेली रूटीन में करते हैं, हम कहाँ कहाँ पर किस चीज़ को गलत इतना कर जाते हैं कि हमें इस किस्म की बीमारियाँ लाहक हो जाती हैं? ये सबसे पहले तो हमारी डाइट, जो हमारा लाइफ स्टाइल अब बन गया है कि लेट नाइट हम डिनर करते हैं, उसके बाद फौरन सो जाते हैं, और डिनर भी हमारा आप देख लीजिए कि सारा जंक फूड में। हाँ, बिल्कुल। तो आजकल आप बच्चों में देखें, बच्चों में भी मोटापा और डायबिटीज़, ये दो ऐसी चीज़ें जो बच्चों में टीन एज में बहुत ज़्यादा फैलती चली जा रही। उसके सबसे बड़ी रीज़न जो उनसे वो यही है, बर्गर्स हैं, सैंडविचेज हैं, पिज्ज़ा हैं, या वो कार्बोहाइड्रेट्स जो उनसे हमारी बैड कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें ज़रूरी है कि आपने इसमें यू टर्न लेना है। ठीक है, आपने अपनी डाइट को, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। जब आप ये चेंज कर लेते हैं तो फिर आप थोड़ा सा सेफ़ जोन में आ जाते हैं। सेफ़ जोन में आने के बाद फिर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं लाइफ में, जिससे आप इस वाली बीमारी से हमेशा के लिए महफूज भी रह सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये कुछ केसेज में रिवर्सेबल भी होती है, अब इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है कि इसको, बीमारी को, अभी तक तो हम सिर्फ इसको कंट्रोल कर रहे थे,
शुगर और ब्लड प्रेशर दो ऐसी चीज़ें जिनको हम मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब हर्बल में भी और मतलब ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में भी अब इस पर काम हो रहा है कि इसको ख़त्म कैसे किया जाए, क्योंकि ये ख़त्म हो सकती है। अल्लाह ताला ने जब फरमा दिया कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है, तो फिर यकीनन मौजूद है। हमारी कोताही है कि हम उसको अभी तक देख नहीं सके या उसको हम अभी तक निकाल नहीं सके, जज नहीं कर सके। ठीक है, अच्छा स्टेजेस कितनी होती हैं डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा शुगर की, डायबिटीज़ की कितनी स्टेजेस हैं और कौन कौन सी ऐसी स्टेज है जिसके ऊपर इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं या कौन सी ऐसी स्टेज है जिस पर आप इसको क्योर कर सकते हैं, फौरी ख़त्म कर सकते हैं? जो हमारे पास अवामनास के लिए जो हम स्टेजेस बताते हैं कि फर्स्ट जो स्टेज है वो प्री डायबिटीज़ की है। प्री डायबिटीज़ ए सिम्टोमेटिक, प्री डायबिटीज़ का मतलब जिसका हम उर्दू में कबल डायबिटीज़ कहते हैं, अभी मुकम्मल तौर पर डायबिटीज़ हुई नहीं है, लेकिन अभी उसके अंदर फास्टिंग ग्लूकोज थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि अभी डायबिटिक रेंज में तो नहीं है लेकिन इम्पेयर्ड है, या खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग के बाद, बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद उसकी शुगर बिल्कुल मार्जिन को थोड़ा सा ऊपर चली जाती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये प्री डायबिटिक्स हैं। और ये वो हमारा ग्रुप है जिस जो ओवरवेट भी हैं, जिनके फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ भी है, जिनके अंदर डायटरी हैबिट्स अगर थोड़ी सी मॉनिटर कर लें और उनकी थोड़ी सी हम फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दें, या अगर वो बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनसे गुजारिश करें कि आप कम से कम एटलीस्ट 20 मिनट्स पर डे अगर आप रोज़ वॉक कर लें, बेशक सॉफ्ट वॉक से शुरू करके हार्ड की तरह। खाने के बाद आपकी वॉक करें, ये टाइमिंग फिक्स नहीं है, क्योंकि जब हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आपने सुबह के टाइम वॉक करनी है, वो सुबह के टाइम उठ ही नहीं सकते, इसलिए हम कहते हैं कि आप 24 आवर्स में किसी वक्त भी कर लें। रात के खाने के बाद तो सिर्फ जो एडवाइस किया जाता है वो तो सिर्फ इसी किया जाता है खाने के बाद कि थोड़ा सा खाना भी नीचे चला जाएगा, थोड़ी सी डाइजेशन बेहतर हो जाएगी और उसकी वजह से रात को प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज जिस वक्त भी वॉक करना चाहें, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, एटलीस्ट मिनिमम 20 मिनट्स अगर वॉक करे और अपना वेट जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस करे, डाइट के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करे, तो प्री डायबिटीज़ वाला पेशेंट जो है ये बजाय ऊपर जाने के डायबिटीज़ में जाने के पीछे की तरफ आ जाएगा। ओके, दूसरा हमारा वो पेशेंट है जिसके अंदर सिम्टम्स आते हैं सिर्फ उस वक्त जब वो स्ट्रेस के अंदर होता है। सही। जैसे हमारी कुछ लेडीज़ के अंदर जेस्टेशन प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज़ आती है, और जब प्रेगनेंसी ओवर हो जाती है, वंस जेस्टेशन इज़ ओवर, तो उनके अंदर से डायबिटीज़ खत्म हो जाती है। लेकिन वो खवातीन जो हैं वो हाई रिस्क में हैं डायबिटीज़ के, फ्यूचर में उनको विदाउट जेस्टेशन भी उन लेडीज़ से जिनको जेस्टेशन डायबिटीज़ नहीं हुई उनसे उनका रिस्क ज़्यादा है। अब अगर ऐसी खवातीन अपनी प्रेगनेंसी ओवर होने के बाद अपने वेट को रिड्यूस करेंगी और अच्छी तरह मॉनिटर करेंगी तो वो इस बीमारी से बच सकती हैं, अगर उसको प्रोलॉन्ग तौर पे अपनी डाइट वगैरह और सारी जो उनका वेट इंक्रीज़ हुआ प्रेगनेंसी में उसको वापस लेके जाएंगी और डाइट हैबिट्स अपनी बेहतर करेंगी। तो ऐसी ख्वातीन भी हमने देखी हैं जिनको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ी प्रेगनेंसी में शुगर को कंट्रोल करने के लिए, वो वापस बगैर किसी दवाई के सिर्फ डायटरी हैबिट के साथ उनकी शुगर वापस चली गई। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब कॉलर भी मौजूद हैं, साथ साथ उनसे बात करते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं नईम जी, नईम बात कीजिए, सुन रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं बात कर रहा हूँ जेलम से, पूछना ये था कि मेरे वाले साहब को ना शुगर की बीमारी है। ठीक। तो उनकी बीमारी जो है वो तकरीबन मतलब शुगर उनका शुगर लेवल उनका जो है वो 250 260 270 तक रहता है। ठीक। तो वो ज्यादातर अक्सरियत में मतलब उनको मना करने के बावजूद भी वो पाई वगैरह गोश्त वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, शुगर के लिए ये सही है या इनसे भी नुकसान होता है? अच्छा नईम बताएगा आपके वालिद को बीमारी कितनी पुरानी है? ये तकरीबन 2 साल से है। 2 साल से है, ठीक है। और वजन उनका ज्यादा है कम है? वजन माशाल्लाह उनका देखने से ऐसा लगता है जैसे वो 70+ उनकी एज है। Okay. तो ऐसे पता चलता है कि जैसे वो माशाल्लाह बहुत सेहत है उनकी, लेकिन वो सेहत नहीं है मतलब ऐसे मोटापा हुआ है उनको। ठीक है नईम, अभी डॉक्टर साहब से हम पूछ लेते हैं कि क्या किया जा सकता है इसका। थैंक यू आपने कॉल की। उस्मान हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। उस्मान डायबिटीज के हवाले से क्या बात करना चाहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी ना वालदा साहबा को शुगर है, ठीक है, काफी अच्छे से, ठीक है। तो वो वैक्सीन लगा इंसुलिन यूज करती हैं, ठीक है, इंसुलिन यूज करती हैं, बट अभी तक उनका कोई ना मसला हल नहीं हुआ, काफी पुरानी है और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं खुद आर्मी में हूँ लेकिन बहुत परेशान हूँ वालदा को लेके। इनका कोई तरीकाकार है, कोई ऐसा हो जाए कि शुगर खत्म हो जाए? ठीक है, ठीक है उस्मान, अभी डॉक्टर साहब से हम पूछ लेते हैं। थैंक यू आपने कॉल की। नेक्स्ट कॉलर हमारे पास मुशरफ है, उनसे बात करते हैं। मुशरफ, शुगर की बीमारी से मुतालिक बात चल रही है, क्या जानना चाहेंगे आप? मैंने ये पता करना था कि मुझे ना डायबिटीज थी, मेरा लेवल जो है था ना HB1 थी, वो 6.2 आया था। ठीक है, तो मैंने उसे रिवर्स तो कर लिया, मेरी अब नॉर्मल आ रही है शुगर।
तो ना मुझे ना उसके ना एक ना सिम्टम्स आ रहे हैं कि ना मेरे हाथ पांव ना जलते हैं और उसमें ना सुइयां चुभती हैं, ये ठीक नहीं हो रही मेरे। ठीक है ठीक है मुशर्रफ, ये हम डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। अच्छा मुशर्रफ ने जिस तरह से डॉक्टर फैसल बात की कि बीमारी थी रिवर्स हो गई, ठीक है, मगर अब जो इनके हाथ पांव हैं जलते बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे जैसे गर्मी की वजह से आपको सुइयां कोई चुभ रही हों इस तरह से महसूस होता है, तो उसके लिए क्या किया जाए? अच्छा इनको पहले तो ये चाहिए कि ये बार बार अपने आप को चेक में रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि टेस्ट पे आपकी चीज़ें नहीं आ रही होती, लेकिन यह कि अंदर कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं और आप महसूस कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि ये सिम्टम्स उनसे हैं, बहरहाल उसको कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस तरह के जो लोग होते हैं उनको चाहिए कि जैसे आजकल मेरे पास एक चीज़ पड़ी हुई, जामुन जी बहुत कॉमनली अवेलेबल है इस वक्त जामुन। तो जो भी शुगर के पेशेंट्स हैं, किसी भी स्टेज के हैं, किसी भी डिग्री के हैं या रिवर्स भी हो चुकी है, वो जामुन का इस्तेमाल जब तक सीज़न है तो बहुत ज़्यादा करें। ओके मतलब जितना कर सकते हैं, इसकी कोई मकदार नहीं है, कोई कैद नहीं है, और जब खाएं तो इसकी गुठलियाँ संभाल के रख लें, ठीक है, उसको खुश कर लें, और सीज़न के बाद जिस वक्त जामुन अवेलेबल ना हो तो उसकी गुठलियों का अंदर से तुखम निकाल के सफ़ूफ बना के रख लें, तो आधी चमची सुबह और आधी चमची शाम। अच्छा। वो इस्तेमाल करते रहें तो शुगर के जितने बैड इफ़ेक्ट्स, जैसे इससे पहले वो खातून अपनी वालदा के लिए बात कर रहे थे, वो साहब अपनी वालदा के लिए, तो जितने भी उसके मुज़िर असरात हैं जो बॉडी पे कहीं भी पड़ रहे होते हैं उससे बहुत हद तक बचत हो जाती है। अच्छा यानी कि उससे बचा जा सकता है। ये जो सफ़ूफ आप बता रहे हैं ये दोपहर के और रात के खाने के बाद लेना है या निहार मुँह आपने खाना? सुबह निहार मुँह ले लें और शाम को जैसे 4 से 5 बजे का टाइम होता है उस टाइम पर आधी चमची आधा ग्लास पानी के साथ इस्तेमाल कर लें, ठीक है। साथ जो रेगुलर मेडिकेशन चल रही है वो चलती रहे, चेक रखें, जब बेहतरी शुरू हो तो फिर उसको एडजस्ट करवाएं, ठीक है। इससे मुतालिक और भी बात करते हैं, नईम भी हमारे कॉलर थे, उन्होंने भी बात की अपने वालिद की बीमारी के हवाले से, उसका जवाब भी लेंगे, मगर इससे पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ कौन साहब मौजूद है? सलाहुद्दीन साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी सलाहुद्दीन बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कराची से बात कर रहा हूँ शेख सलाउद्दीन। मैं डॉक्टर साहब से मालूम करना चाहता हूँ कि मेरा शुगर जो है वो स्टार्टिंग स्टेज पर है ना, तो मैं जो मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उस मेडिसिन को रेगुलर यूज़ करूँ या कि नहीं करूँ? अच्छा वैसे डॉक्टर ने आपको क्या रिकमेंड किया है कि रेगुलर यूज़ करें आप? के दूसरी बात मालूम ये करना चाह रहा हूँ कि अगर ये मेडिसिन मैं यूज़ करता रहूँ तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है क्या? ठीक है मेरे भाई आपने कॉल किया, आपका बेहद शुक्रिया। इस बारे में डॉक्टर साहब से जान लेते हैं। अरसलान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अरसलान, शुगर की बीमारी के हवाले से बात चल रही है, कोई सवाल करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मेरी वालदा को शुगर है ना, ठीक है, तो उनका काफी सारा इलाज भी करवाया तो उनकी शुगर नॉर्मल नहीं हो रही, वो तकरीबन 500 प्लस जाती है नॉर्मली। अब जामुन की बात हो रही थी, वो जामुन भी खा रही है लेकिन उनसे भी कोई मेडिसिन भी है वो भी खा रही है साथ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको। अच्छा अरसलान, वालिदा को कितनी बीमारी पुरानी है ये शुगर की? तकरीबन 1 ईयर हो गया, तकरीबन 1 साल हो गया हुआ है, ठीक है। वजन ज्यादा है आपके वालिदा का? नहीं नॉर्मल है वजन और 60 प्लस है, ठीक है। थैंक यू अरसलान, बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब से। सोबिया हमारे साथ मौजूद है, जी मेरी बहन बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो डॉक्टर फैसल को आपके प्रोग्राम में देख के बहुत खुशी हुई, बहुत कम कम नजर आते हैं और बात अब आपको नजर आते रहेंगे। अच्छा बात यह कि मुझे भी तकरीबन 1 साल हो गया शुगर को, तो उसके लिए मुझे यही पता करना था कि जब पहले मैंने मेडिसिन स्टार्ट की तो शाम को मेरी शुगर बहुत डाउन हो जाती थी, ठीक, और सुबह में जब मैं लेती थी तो ठीक रहती थी, तो डॉक्टर ने अब उसकी टेबलेट जो है हाफ कर दी है, तो उसके लिए कोई मतलब ऐसी चीज है जो अगर शाम को ना मैं मेडिसिन खाऊं और उसके लिए कोई हर्बल कोई ऐसी चीज बता सकते हैं डॉक्टर साहब तो मुझे बड़ी खुशी होगी। चलें ठीक है सोबिया, ये जान लेते हैं, थैंक यू आपने भी हमें कॉल किया। अच्छा डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मुझे नईम के हवाले से हमारे कॉलर ने पूछा, वालिद को बीमारी है और पाए वगैरह वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, रोकने के बावजूद नहीं रुकते और शुगर लेवल उनका 250, 260, 270 तक जाता है, तो उसके लिए क्या किया जाए? वेट भी उनका ज़्यादा है, 70 प्लस है। मेडिसिन नहीं ले रहे या मेडिसिन ले रहे हैं? नहीं मेडिसिन वो मेडिसिन उनको दी गई है मगर उसके बावजूद वो अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं कर रहे और 70 प्लस उनकी एज है। ये तो डाइट को कंट्रोल करवाना तो फिर उनके जो केयर टेकर हैं उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और अगर पाए को नान के साथ ना खाया जाए, सादा रोटी के साथ खाया जाए तो इतना डेंजरस घर से बनी हुई चपाती या घर से बनी हुई चपाती ले लें, बाजार से बनी हुई चपाती ले लें, ब्राउन ब्रेड ले लें, पाए खाना है तो खाएं लेकिन उसके साथ जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं
जो नशास्ते की चीज़ खा रहे हैं वो ना खाएं, उससे भी कंट्रोल भी तो होता है। वो कहते हैं ऊपर वो ऑयल वगैरह भी होता है बहुत ज़्यादा, वो ऑयल वगैरह जो है वो एज सच शुगर के कंट्रोल में, उसका ना कंट्रोल करने में उसका कोई रोल नहीं है। वैसे ऑयली चीज़ें डायबिटिक्स को नहीं खानी चाहिए, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ अगर वन पॉइंट एजेंडा यानी शुगर को कंट्रोल करने की बात करें, बस उन्हें कहें कि पाए आप खुद भी छोड़ दें, जहाँ ले के आते हैं तो वाले साहब खाते हैं ना, वो भी नला है, उनके लिए भी अच्छे नहीं है। वाले साहब खुद जाके भी तो खा सकते हैं, खुद जाके भी खा सकते हैं, तो फिर ये है कि ऐसी जगह पे उनको उनको मंगवा के दें और घर की रोटी के साथ खाएं तो उपाय का इतना ज्यादा नहीं है। दूसरी बात है उनको वॉक करवाएं, खुद भी साथ वॉक करें, उनको भी साथ वॉक करवाएं, ठीक है। और 250 जो शुगर है उसके लिए हल्की फुल्की दवाई से भी उनको फर्क पड़ सकता है। दूसरा हो सकता है उनकी शुगर ऐसी हो जो पाए वगैरह के साथ जो चीज़ खाने से बढ़ जाती है, और जब वो पाए वगैरह ना खाते हैं उस वक्त ठीक रहती हो। हाँ ठीक है। तो ऐसी डाइट के साथ ऐसी मेडिसिन भी हैं जो सिर्फ डाइट के साथ जो उस वक्त के परेंडियल जो शुगर है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको चाहिए किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करके शुगर जो है उसका लेवल चेक करके कि वाकई ये शुगर पाए के साथ रिलेटेड है या वैसे भी उनकी 250 प्लस आती है। हाँ ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है किसी मौलिज के पास जाएंगे। दूसरे वो कॉलर ने आपको कहा है कि उनकी शुगर कम भी हो जाती है। अच्छा हाँ जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। वो ज्यादा डेंजरस चीज है, उसके ऊपर मैं पॉइंट पे आना चाह रहा था। हम ऐसे पेशेंट भी हमारे जो इनकी बहुत ज्यादा और बहुत कम हो जाती है। हाँ ये हमारे साथ सोबिया थी, उन्होंने इसमें हमारे पास दो ग्रुप्स हैं जो बहुत कॉमन है, एक तो जेस्टेशन यानी जो प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज उसमें, और एक एल्डरली पॉपुलेशन। अच्छा, और तीसरे वो इनकी खुदा न खास्ता किडनीज वगैरह डैमेज हो चुके हैं, अब उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आएंगे। ऐसे लोगों के लिए तो बेहतरीन एडवाइस तो ये है कि उनके इन बिटवीन जो परेंडियल जो पीरियड है ना खाने का, उसको कम करें, और इनकी डाइट्स को बजाय 3 times देने के उसको 4 to 6 times करें, तो थोड़ा थोड़ा करके 4 hours के बाद करें। इसकी वजह से ये फायदा होगा, एक तो जो सर जाती है शुगर की खाने के बाद बहुत ज़्यादा, वो नहीं आएगी क्योंकि खाना थोड़ा खाएंगे, जब उन्होंने 4 hours पहले खाया होगा डेफिनेटली उनको भूख इतनी ज़्यादा नहीं लगी होगी, तो एक तो बहुत ज़्यादा सर्ज भी नहीं आएगी, और दूसरा गैप ज़्यादा ना होने की वजह से शुगर बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होगी। ओके, और दूसरा तीसरा वो ये पता करना चाहिए कि उनकी मेडिसिन कौन सी हैं, उनकी भी हो सकता है थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की। हाँ ये मेडिसिन की भी आपने बात की, लेकिन सोबिया के हवाले से डॉक्टर फैसल साहब, डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे कि वो सुबह शाम जो है वो टैबलेट ले रही हैं, सुबह में होता है कि उनकी ठीक हो जाती है, शाम में उनकी शुगर ज़्यादा हो जाती है। गोली है वो डेली आधी टैबलेट ले रही हैं, मगर वो कह रही हैं कुछ हर्बल में भी मुझे अगर आप बता दें तो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि एक तो उनको अपने मील्स को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि अपनी डाइट में उनको चाहिए कि मल्टी ग्रेन आटे का इस्तेमाल करें, मतलब सिर्फ गंदम के आटे पे इन्हसार मत करें, मल्टी ग्रेन्स लें। ऑल पर्पज़ जो होता है आटा, ऑल पर्पज़, या आप ये कह सकते हैं कि जैसे बाजरे का आटा का भी इस्तेमाल करें, दिन में एक आध दफ़ा किसी वक्त बाजरे के आटे की रोटी खा लें, या चना, जौ, और आपके ये होते हैं सोयाबीन, इनको हम वजन लेके इनका आटा बना के रखें और इसकी रोटी दोपहर के टाइम पे खाएं, तो ये जो उनसे उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको मेंटेन रखेगा, तो उससे इनको काफ़ी फायदा हो जाएगा। नहीं तो अभी रिसेंट जो हमारे एक तो सीजनल फ्रूट्स है, आपने जामुन की भी बात की है, मगर कुछ अगर आप हमें बताएं कि ये चीज़ें इस्तेमाल करके भी कंट्रोल में आ सकती है। जी बिल्कुल। अच्छा, जामुन का भी एक साहब ने कहा था कि उनकी वालदा खा भी रही हैं तो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उन्होंने बताया कि 400 से 500 शुगर, तो इतनी ज़्यादा जब डायबिटीज़ का या शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो फिर वो यकीनी तौर पे जामन से या आम खुराक से नहीं जाएगा, यकीनी तौर पे उनको कोई ना कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अगर आप कहें तो एक नुस्खा बता देता हूँ। जी, प्लीज़ बताइए आप। अच्छा, मैं अब ज़रा खड़ा हो जाऊँ ताकि आपका नुस्खा ये बता, इजी हो जाए, फोकस कीजिए। इसमें ये मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये नोट करते जाइए। ये है अंदर जौ कहलाता है, अंदर जौ तलख, ये जौ का ही एक किस्म होती है। ये लेते हैं, इसमें लेते हैं, ये है गुड़मार बूटी, ठीक है, गुड़मार बूटी। अच्छा, ये सारी चीज़ें लेनी है हम वजन, इसके साथ लेंगे ये चरायता कहलाता है, जो अमूमन खून साफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, चरायता ले लेते हैं इसमें। और चौथी चीज़ जो उनसी है वो है करेला। अच्छा, इसमें सबसे बेहतर होता है कि जंगली करेला, ये अमूमन ईजिली पंसार स्टोर से मिल जाता है, वो ना मिले तो आप आम करेला लेके उसको धो के सुखा लीजिए, तो वो भी आपके काम आ सकता है। तो इसमें हम ये करेला डाल देते हैं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें, 4 चीज़ें हो गई, करेला, चरायता, गुड़मार बूटी और अंदर जो तलख, इन सब चीज़ों को आप मिला के हम वजन लेके और इनको आप बना के पीस के सफूफ बना के रख लें। ये तकरीबन आपने शुरू करनी है। अच्छा, फिर डिपेंड करता है कि डोज जो उनसे एडजस्ट करना पड़ता है, तो 1/4 चमची से शुरू करना है सुबह, 1/4 चमची शाम को। ठीक,
जैसे जैसे आपकी शुगर लेवल बेहतर होता जाए तो फिर आप इसका डोज एडजस्ट करते जाइए। लेकिन इसमें फिर वही बात है कि अगर एलोपैथिक भी यूज़ कर रहे हैं और साथ ये भी यूज़ करना चाहें तो ज़रूर करें, लेकिन साथ अपना मॉनिटर करते रहिए, जैसे ही कोई फ्लक्चुएशन आए तो फिर किसी न किसी डॉक्टर से मशवरा वो लाजमी आप ही कंसल्ट करें उससे। अच्छा, इसमें मुझे जो जिस पेशेंट की शुगर बहुत ज़्यादा हाई जा रही है 500+, जी जी, वो अपनी वालदा की जो बात कर रहे थे, उस पेशेंट को तो बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस इस हाई शुगर के साथ हो सकती हैं। वो बता भी रहे थे काफी परेशान है। जी, परेशान उनको मजीद होना चाहिए और इस परेशानी का सलूशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि एडमिट करवाएं पेशेंट को। इस तरह के मरीज के लिए हमारे पास वो कहते हैं ना कि सुनार के हथौड़े के बजाय लोहार का हथौड़ा चाहिए, इसको इंसुलिन चाहिए, इंसुलिन से इनकी शुगर नीचे आएगी, 500 से नीचे लेके आएंगे, 150-200 के दरमियान से इनको डिस्चार्ज करेंगे। और वो हमारे जो पॉपुलेशन में कंसेप्ट है कि एक दफ़ा इंसुलिन अगर स्टार्ट हो गई तो फिर बंद नहीं होगी, ये भी एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि ऐसी पॉपुलेशन भी हमारे पास आई थी जिनकी टाइमली कुछ अर्से के लिए शुगर ज़्यादा जा रही है और उसके बाद वो इंसुलिन से ऑफ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 500+ वाले को तो खुदा ना खास्ता बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, फौरी तौर पर एडमिशन होना चाहिए और फौरी तौर पर उनके इंसुलिन के साथ उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर थे सलाहुद्दीन, उन्होंने कहा कि उनका शुगर जो डायबिटीज़ है वो भी स्टार्टिंग पॉइंट्स के ऊपर है और डॉक्टर ने रिकमेंड भी किए उन्हें टैबलेट्स मेडिसिन वो ले रहे हैं, लेकिन वो इसलिए भी परेशान है कि क्या ये टैबलेट्स यूज़ करने के बाद ये ख़त्म हो जाएगी, दोबारा तो नहीं होगी। जी, मेरे उनसे रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहला जो मेडिसिन से भी पहली चीज़ ज़रूरी है अपना वेट कम करें, जितना भी उनका वेट है ना उससे अगर 10% डिक्रीज करेंगे ना वो उनके लिए एनी मीन्स इनटेक कम करें, आउटपुट ज़्यादा करें, एक्सरसाइज करें, अगर उनका वेट 10 kg कम होगा तो किसी मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अच्छा, वेट कम होने तो डेफिनेट है कि शुगर वापस चली जाएगी। जो दवाई वो ले रहे हैं थोड़ी सी शुगर के लिए, हल्की फुल्की शुगर के लिए, वो दवाई ऑफ होना वो डेफिनेट नहीं है। हो सकता है वो उनको लेते रहना पड़े अगर वो वेट नहीं कम करेंगे, और हो सकता है उस दवाई के बाद उनको आगे वाले किसी और स्टेप पर जाना पड़े। तो वेट रिडक्शन इज़ नंबर 1 स्टेप, और उसके लिए हमारे पास डाइट और एक्सरसाइज यानी इनटेक बहुत ज़रूरी है। और जो हमारी बैड हैबिट सबसे बड़ी है कि हम रात वाला खाना बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग करके उसके बाद उसी वक्त सो जाते हैं, हालांकि हेल्दी हैबिट नहीं है। हेल्दी हैबिट ये है कि आप सुबह ब्रेकफास्ट ज़्यादा करें। अच्छा, हेल्दी ब्रेकफास्ट करें, हेल्दी ब्रेकफास्ट करें, क्योंकि सारा दिन आपने एक्टिव रहना, सारा दिन आपने उसी ब्रेकफास्ट पे चलना है। और ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान कुछ ना खाएँ, लंच थोड़ा करें और उसके बाद टेपरिंग में जैसे आप ये समझिए कि उस जो डिनर है वो उससे भी छोटा करें, जबकि हमारे यहाँ पार्टियाँ सारी डिनर की हैं जो हम बाहर करते हैं। हाँ, तो इस बैड खाना कम होने के बाद बढ़ता चला जाता है। और फिर हम जो बंदा ज़्यादा खाता है उसको माशाल्लाह कहते हैं कि माशाल्लाह बड़ी रोटी खाता है, वो माशाल्लाह नहीं है, वो नऊज़ुबिल्लाह है, जो ज़्यादा खा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको डायबिटीज़ हो जाएगी। भूख अपनी रख के खाओ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अहमद साहब, आप यहाँ पर तशरीफ लेकर आए। डॉक्टर फैसल साहब हमारे साथ नेक्स्ट सेगमेंट पर भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि शुगर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो शुगर की वजह से और भी कई बीमारियाँ हो जाती हैं आपको, जो इफेक्ट कर रही होती किसी ना किसी तौर पे। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को गुर्दों का मसला भी होता है कि आपके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, गुर्दों का कोई ना कोई ऐसा इशू हो जाता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इस सारे सूरत हाल पर गुर्दों के हवाले से खास तौर पर बात करेंगे, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अभी हम बात करने वाले हैं, जिस तरह से हमने पहले डायबिटीज़ यानी शुगर से मुतालिक बात की, अभी हम किडनी यानी गुर्दों से मुतालिक बात करने जा रहे हैं। गुर्दों के मसाइल भी बहुत सारे हैं और बहुत सारे लोग इसका शिकार भी होते हैं, डायलिसिस आपको कराने पड़ते हैं, ये पूरा सिलसिला बड़ा तकलीफ दे होता है। मगर गुर्दों के मुतासर होने की वजूहत क्या होती हैं, इनकी अलामतें क्या होती हैं, आपको किस तरह से पता चल सकता है और कौन कौन सी कोताहियाँ हम अपनी डेली रूटीन में अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे गुर्दे हैं यानी हमारी किडनीज इफेक्ट हो रही होती हैं। डॉक्टर फैसल जिस तरह से हमारे साथ पहले सेगमेंट में भी मौजूद थे, अभी भी सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद रहेंगे, मगर इसके साथ साथ माहिर अमराज़ किडनी हैं डॉक्टर सलमान वारिस साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब आपको भी वेलकम करेंगे। गुर्दों से मुतालिक अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपने मसाइल का हल जान सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ, गुर्दों की जब हम बात करते हैं, गुर्दे हमारे जिस्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, इनके इफ़ेक्ट होने की वजह क्या होती है, गुर्दे मुतासिर होने की वजह क्या होती है? इसकी वजूहत 3 कैटेगरीज में है। एक खून में तब्दीली आ जाए या टॉक्सिन आ जाएँ उसकी वजह से, वो प्री रिनल कहलाता है। एक किडनी के अंदर कोई ख़राबी हो जाए और एक किडनी के बाद जो पैसेजेस हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे यूरिन बंद हो जाए, स्टोन से बंद हो जाता है और किडनी ख़राब हो जाता है।
یا رینل انفیکشن ہوتی ہیں اس سے کڈنی خراب ہو جاتے ہیں. اچھا تو یہ اس کا کڈنی ایک ایسا عضو ہے کہ جس کے متعلق لوگ عام طور پہ جانکاری نہیں رکھتے کیونکہ چھپی ہوئی چیز ہے نا. دل دھڑکتا ہے نظر آتا ہے, سانس دکھائی دیتا ہے, سب کچھ. کڈنی ایک چھپے ہوئے لیکن یہ اعضائے رئیسہ میں شامل ہے, امپورٹنٹ آرگنز میں شامل ہے. تو یہ بنیادی طور پہ آپ کے بلڈ میں کوئی ٹاکسنز ہوں جو باہر سے انجیکشن کیے جائے, ٹاکسنز ان میں پوائزنز ہیں, میڈیسن بعض بذات خود کئی دفعہ کڈنی, کیونکہ کڈنی سول ایکسکریٹری آرگن ہے, پوری باڈی کے جو بھی ایکسکریشن ہونی ہے وہ کڈنی سے ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتائے گا کہ کڈنیز کے بڑے بڑے مسائل کون سے میجر جو آپ کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ پیشنٹ اس چیز کا ہوتا ہے؟ ہاں میں وہ بات تھوڑی سی یہ کرنی تھی کہ وہ متاثر کیسے ہوتے ہیں. ڈائبٹیز نمبر ون ہے پاکستان میں, جی جی, بلڈ پریشر دو, پھر گلومیرولر نیفرائٹس ایک گروپ آف ڈیزیز ہے, وہ انسان کے کنٹرول میں بڑا کم ہے لیکن ٹریٹمنٹ اس کی ہے. ٹھیک. تو آپ نے پوچھا کہ کون کون سی بیماریاں ہیں, تو ہمارے ملک میں ایک تو ڈائبٹیز میں نے کہہ دیا, دوسرا بلڈ پریشر ہے, یہ دونوں کڈنی کو ڈیمیج کرتی ہیں. اچھا. اور تیسرا آپ سٹون ڈیزیز لے لیں, سٹون ڈیزیز بہت کامن ہے. ہمارا جو ملک ہے وہ ہائیسٹ انسیڈنس آف سٹون ڈیزیز کی بیلٹ جو میپ میں بنائی جاتی ہے, مختلف ڈیزیز کی کنسنٹریشن اس میں آتی ہے. اچھا. بہت زیادہ ہے سٹون ڈیزیز. سٹون ڈیزیز کڈنی کے بعد کڈنی میں ہی پیدا ہوتے ہیں, اور آگے اس کی جو مین ایکسکریٹری ٹیوبز ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں, جس سے وہ کڈنی ڈیمیج ہو جاتا ہے. ٹھیک. اچھا تو وہ ایک قدرت نے ہر جگہ ڈیفینس بھی رکھی ہوئی ہے, اس سے درد ہوتا ہے تو مریض ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ اکثر کڈنی بچ جاتے ہیں. بعض سٹون ایسے ہوتے ہیں جو کچھ نہیں کرتے, وہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب کڈنی ایک خراب ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ بائیلیٹرل سٹون ڈیزیز بھی کافی کامن ہے, دونوں کڈنی افیکٹ کرتے ہیں. یہ مین ڈیزیز ہیں. گلومیرولونیفرائٹس ایک گروپ آف ڈیزیز ہے, اس میں آٹو امیون سسٹم میں خرابی ہوتی ہے, الرجیز ہوتی ہیں, میڈیکل بعض بیکٹیریا اور اس کے اوپر میڈیسن کھانے سے ایشوز ہو جاتے ہیں, جیسے ٹونسلائٹس ہے. ٹھیک. اس وقت ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں, نسرین, ان سے بات کرتے ہیں. نسرین, گردوں کی بیماری سے متعلق کیا بات کرنا چاہیں گی؟ جی نسرین, آپ ہمیں سن سکتی ہیں تو بات کیجیے. چلیے نسرین کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا, اس پہ بات کریں گے. اچھا سدرا ہمارے ساتھ کالر ہیں, چلیے میں ڈاکٹر فیصل سے پھر بات کرتی ہوں, کالر کو پہلے لیتے ہیں. اچھا سدرا, گردوں کی بیماری سے متعلق آپ کیا جاننا چاہیں گی؟ جی میڈم, میرے نا دائیں گردے میں نا پتھری ہے. ٹھیک ہے جی, جو ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اس کی کوئی دوائی نہیں ہے, تو میں کیا اس کے لیے کروں؟ اور ساتھ میں جگر کا سائز جو بڑھ رہا ہے, اس کے اوپر چربی ہے جگر کے اوپر. اچھا جگر کے اوپر آپ کے چربی. آپ کا میری بہن وزن کتنا ہے یہ بتائیں ہمیں. وزن میرا ہے 65. اور آپ کی عمر کیا ہے؟ عمر میری ہے 24 سال. 24 سال ہے. اتنا تو نہیں ہے, اتنی موٹی بھی نہیں ہوں میں, تو پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے. کب سے مسئلہ ہے یہ جگر کے اوپر چربی کا؟ آپ کو مسئلہ کب سے ہے؟ یہ تو میں نے ایک مہینہ ہو گیا الٹرا ساؤنڈ کروائی تھی, تو پھر پتہ چلا. اس سے پہلے 2 سال ہو گئے ہیں میرے نا, کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. اچھا 2 سال ہو گئے اس مسئلے کو, تو یہ کیسے حل ہوگا؟ اتنی دوائیاں میں نے کھائی ہیں, کسی دوائی سے کوئی فرق نہیں پڑا. چلیے جان لیتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے سدرا نے ہمیں کال کی, ایک تو ہم یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ جی جگر کے اوپر چربی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ان کے جگر کے اوپر بھی چربی ہے, دائیں گردے میں ان کے پتھری بھی ہے, تو وہ کچھ بھی کھاتی ہیں تو ان کو پیٹ میں درد ہوتا ہے, تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ وزن بھی ان کا زیادہ نہیں ہے اگر وہ 65 بتا رہی ہیں. یا بس آپ نے ایک چیز ان سے نہیں پوچھی کہ ان کی ہائٹ کیا ہے. ہاں جی, ہائٹ سے نہیں, جس طرح سے وہ بڑی کانفیڈنٹ ہو کے بتا رہی تھی, اٹ مینس کہ ان کی ہائٹ بھی ٹھیک ہوگی, تو وہ بتا رہی تھی کہ میرا ویٹ زیادہ نہیں ہے. بالکل ہو سکتا ہے ایسا. کہ اچھا دیکھیے, پھر وہی والی بات کہ جو ہم پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ جو ہماری ڈائٹ ہے اس کو ہم سب کو بہت شدت سے واچ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جتنی بھی چکنائی ہم استعمال کر رہے ہیں, جتنے بھی ہم آئلز استعمال کر رہے ہیں, وہ سارے کے سارے نقصان دہ ہیں.
जितनी चीज़ें रिफाइंड होती जाएंगी आप समझ लीजिए कि वो आपकी हेल्थ को डैमेज करती चली जाएंगी। तो इसलिए जो लीवर का इनका मसला है उसके लिए तो मेडिसिन बिल्कुल अलहदा हो जाएगी और उसके लिए एहतियातें बिल्कुल अलहदा हो जाएंगी। जो किडनी का मसला है उसके लिए एहतियातें अलग हो जाएंगी। तो इस वक्त क्योंकि हम किडनी पर ज़्यादा बात कर रहे हैं तो उसका मैं इनको बता देता हूँ कि स्टोन अगर इनको है, हाँ वो बता रही हैं दाएं कुर्ते में उनके स्टोन जो सा है, देखिए अब उस पर डिपेंड करता है कि उस किस साइज़ का है, किस जगह पर है, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपको उसको निकालने के लिए। बहरहाल एक जनरली से एक मैं चीज़ बता देता हूँ कि छली भुट्टा जो सा है वो हमारे हर जगह अवेलेबल होता है। इसके वो बाल ले लीजिए जिसको सिल्क कॉर्न्स कहते हैं, उन बालों को बहुत अच्छी तरह धो के और तकरीबन जैसे मिसाल के तौर पे एक मुट्ठी वो बाल ले लें और तकरीबन डेढ़ गिलास पानी का ले लें। ठीक। इसको हल्की आंच पे पकने रख दें और जब ये अच्छी तरह से पक जाए तो इसको फिर कपड़े से छान लें ताकि इसमें कोई मिट्टी के ज़रात वगैरह ना रहें। जब वो अच्छी तरह से साफ पानी निकाल लें तो इस सुबह निहार मुँह से ले कर और 11 बजे तक ठीक थोड़े थोड़े घूंट करके, मतलब ये आधा पौना गिलास बचेगा, इस आधे पौने गिलास को उन्होंने तकरीबन 1.5-2 घंटे में सिप सिप करके पीना है। अच्छा, ये ऐसा वक्फे के साथ, वक्फे वक्फे के बाद इस तरह से पीना शुरू करें, इंशाल्लाह तीसरे चौथे दिन उनको अपने सिम्टम्स में बेहतरी महसूस होना शुरू हो जाएगी। और ये कितना अर्सा जारी रखें इसको? डिपेंड करता है, अगर तो बहरहाल साथ इनको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, चाहे वो एलोपैथिक की लें चाहे वो किसी अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जाएं, लेकिन स्टोन को तोड़ने के लिए इनको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। ठीक है, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है अरसलान, उनसे बात करते हैं। अरसलान, क्या सवाल करेंगे आप? जी, सबसे पहले तो आपका सेगमेंट बहुत अच्छा है, मैं डेली देखता हूँ और खासतौर पे हीरोज, पाकिस्तानी हीरोज के वाले से। उसके बाद ये गुर्दू का मसला रह गया। गुर्दू में ये है कि हमें कौन सी रोजमर्रा में जो ऐसी खुराक है वो खानी चाहिए, या उसके अलावा जो डायबिटीज है उनके लिए बताएं कि जो ऐसी खुराक यूज करें जिसके साथ उनको कोई ऐसा गुर्दू पे इफेक्ट ना करे। अच्छा, ठीक है। और उसके अलावा जो है जी, ज्यादा देर बैठने से जो दर्द हो जाता है ये गुर्दों की जानब, इसका क्या वजह, ये क्यों हो जाता है? हाँ, ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट चीज पूछी है ज्यादा देर बैठने की। अरसलान, मैं इससे मुतालिक बात करूंगी, जान लेते हैं इसका मसले का हल क्या है। जफर इकबाल भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी जफर, गुर्दों के मसाइल पर क्या जानना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, 20 साल से तकरीबन मुझे शुगर है, तो उसकी वजह से मेरे किडनीज जो है डैमेज हो चुके हैं, मेरा क्रिएटिन 2.1 है। ठीक। तो इसका मुझे पता करना था कि, और गुर्दे श्रिंक भी हो चुके हैं, जो डॉक्टर की रिपोर्ट है उसके मुताबिक कुछ श्रिंक हो गए हुए हैं, तो इसका मैंने पूछना था डॉक्टर साहब से, इसके मुतालिक मुझे कुछ एडवाइस करें, कोई इलाज मेरा। मेरे भाई आपकी उम्र क्या है? 70+। 70+ है आपकी उम्र। चलिए, इससे मुतालिक आपका वजन तो ज्यादा नहीं है? वजन मेरा है जी 57। 57 आपका वजन है, वजन ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इससे मुतालिक बात कर लेते हैं। आप शो देखते रहिए, इसका जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आफ्ताब हमारे साथ मौजूद है। जी आफ्ताब, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने पूछना था, मेरे अंकल ने, उनके दोनों गुर्दे फेल हो गए थे, एक गुर्दा हमने न्यूट्रल लगाया आगे, उसके लिए डॉक्टर से पूछना था कितनी त्याग जरूरत है और कितनी देर तक वो चाल सकते हैं, इसके बारे में पूछना डॉक्टर साहब। ठीक है, थैंक यू सो मच आफ्ताब, आपने कॉल की। अच्छा डॉक्टर साहब, यहीं से चलते हैं। आफ्ताब ने जो बात की कि उनके अंकल के दोनों गुर्दे फेल हो गए थे, उन्होंने एक नया डलवाया है, मगर अभी एहतियात क्या करनी है उन्हें? ये नया डलवाया और चल रहा है ठीक? जी जी, वो ठीक चल रहा है, वो करें अभी एहतियात। गुर्दे जब फेल होते हैं तो एक्चुअली दोनों ही होते हैं, ये टर्मिनोलॉजी को करेक्ट करना चाहिए। अगर एक किडनी ठीक हो तो वो उसकी लाइफ नॉर्मल होती है। हाँ, नहीं, उन्होंने बताया कि दोनों ही फेल हो गए थे, वो उसको ही रीनल फेलियर कहते हैं। ओके। दोनों फेल हो जाए तो रीनल फेलियर, या किसी का गुर्दा ही एक है तो वो फेल हो जाए तो रीनल फेलियर है। तो रीनल फेलियर का इमीडिएट जो ट्रीटमेंट होता है वो तो डायलिसिस है, और उन्होंने बताया कि डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ मैंने पहले ही अर्ज किया है कि 1 पे है पाकिस्तान में रीनल फेलियर में। तो वो जो वर्किंग, जिसे आम लफ्ज़ों में छलनियाँ भी कहते हैं लोग, वो एक मेलपिगियन कैप्सूल होता है और उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, वो एक यूनिट है, वर्किंग यूनिट। इस तरह के किडनी में 1 लाख एक तरफ, 1 लाख एक तरफ यूनिट होते हैं, तो वो यूनिट डाई आउट होना शुरू हो जाते हैं, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड रहे, उसकी एहतियात ना की जाए, प्रॉपर एक्सरसाइज ना की जाए। तो एक और बात है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एहतियात करे तो उसके किडनी ठीक रहेंगे, उसके चेकअप होना चाहिए। वो 30% में किडनी फेलियर होना होता है ठीक, तो वो डायबिटीज़ की वजह से।
तो ये जो बात करें डायलिसिस करवाएं फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाएं, ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन में दवाई तो खानी पड़ती है लेकिन लाइफ तकरीबन नॉर्मल होती है। अच्छा। अब दो बैठे हों बंदे, एक सेहतमंद हो और एक ने ट्रांसप्लांट करवाया, आप फ़र्क महसूस नहीं कर सकते, उसकी एक्टिविटीज़ वर्किंग सब नॉर्मल होता है। डायलिसिस पे वर्किंग नॉर्मल नहीं रहती, लेकिन अच्छा डायलिसिस हो तो वो 4 से 6 घंटे काम कर सकता है वक्फे के साथ, अपना कोई कारोबार है या कुछ वो चला सकता है। मैं वैसे लोगों को कहता हूँ कि दरमियान में 2 घंटे रेस्ट कर लें फिर जाएं, तो इस तरह करके वो ज़्यादा उनके लिए नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है। और गर्मी धूप में चलना फिरना उनके लिए बड़ा डेंजरस होता है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर फैसल, हमारे एक कॉलर थे अरसलान, वो कहते हैं अगर जिनको गुर्दों का मसला हो तो उनके लिए डाइट कैसी होनी चाहिए, खुराक उन्हें क्या लेनी चाहिए? उनको सोडियम यानी नमक कम से कम लेना चाहिए, बहुत कम कर दें, बहुत कम करना चाहिए, मतलब इस्तेमाल करें मगर बहुत ही कम। अगर साथ ब्लड प्रेशर है तब तो कोशिश करें कि तकरीबन ख़त्म कर दें, बहुत ही ज़रूरत के तहत लें, और अगर उनको ब्लड प्रेशर नहीं है लेकिन गुर्दों की तकलीफ़ है तब भी वो काफ़ी हद तक सोडियम को कम करें। उसके अलावा प्रोटीन का इस्तेमाल भी कम से कम करें, ठीक, क्योंकि प्रोटीन जो सी है वो भी गुर्दों को ख़राब करने में, जिनके गुर्दे ख़राब हों वो फिर उसको प्रॉपरली क्या कहने चाहिए डॉक्टर साहब के फ़िल्टर नहीं करती उसको, ठीक। इसके अलावा फॉस्फोरस, अच्छा अब कौन सी, अभी कैसे पता चले कि किस चीज़ में क्या चीज़ है? हाँ। तो इनको बेहतर है कि नाश्ते में जौ का दलिया ज़रूर इस्तेमाल करें, और खाने में जितनी भी बेरीज़ हैं हमारे, जितने भी फ्रूट्स में जो बेरीज़ आती हैं वो बेरीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। ओके। इसी तरह से एक चीज़ आम पंसार स्टोर से मिल जाएगी जिसको हम कहते हैं ज़रिश्क, ठीक, इंग्लिश में या इसका लैटिन नेम है बर्बरिस वल्गेरिस, ठीक है, इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन भी मिल जाती है और ज़रिश्क के नाम से ये हमें पंसार स्टोर से भी मिल जाती है। इसको रात को भिगो के रख दें ज़रिश्क को, और सुबह इसका पानी पीना शुरू कर दें, तो ये किडनी के लिए एक टॉनिक का दर्जा रखती है। अच्छा, ये अच्छा साबित होता है, बेहतरीन चीज़। इसको निहार मुँह पीना है, निहार मुँह भी पी सकते हैं और शाम को 4-5 बजे भी पी सकते हैं जब खाना खाने के 2 घंटे के बाद। इसी तरह से जो इसका होम्योपैथिक वर्जन है वो बर्बेरिस वल्गेरिस कहलाता है। अब इसमें पोटेंसी जो उनसी है वो डिपेंड करती है, अपने किसी भी होम्योपैथ मॉलेज के पास जाइए और उनसे उसका डोज और उसकी पोटेंसी एडजस्ट करवा लीजिए, तो इंशाल्लाह गुर्दे के जितने भी मसाइल हैं उसमें ये एक मेडिसिन ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाए, फ़ायदेमंद होगी। हमारे साथ कॉलर मौजूद है मरियम, उनसे बात कर लेते हैं। जी मेरी बहन मरियम, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन। जी मैडम, मेरे ना जब मैं बैठती हूँ ना तो मेरे दोनों गुर्दों की ऊपर वाली साइड पे ना दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा। बहुत ज़्यादा जी, एक ये मसला है, और एक ये जब मैं खाना खाती हूँ तो 5-6 रोटियाँ मैं खा लेती हूँ 3 टाइम, तो ये पूछना था ये क्या मसला है? उसके बाद पेट में दर्द शुरू हो जाता है, फॉरन मोशन आ जाते हैं, जो खाती हूँ फॉरन मोशन आ जाता है, तो इसके बारे में दवाइयाँ बहुत ली हैं कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मुझे बता दें ये क्या मसला। अच्छा मरियम, ये एक तो मुझे ये बताएं कि जो आपके गुर्दों का दर्द है ये कितने अरसे से आपको चल रहा है, और आपको भूख महसूस होती है 5-6 रोटी की आपको भूख महसूस होती है या फिर आप जोर जबरदस्ती से खाती है? भूख ही मुझे इतनी होती है कि मैं खा लेती हूँ, रात को ही भूख लगी रहती है मुझे। अच्छा ठीक है मरियम, अभी बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब से, थैंक यू आपने कॉल की। नसरीन हमारे साथ कॉलर मौजूद है, नसरीन क्या जानना चाहेंगे किडनी इश्यूज के ऊपर? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं 24 साल से शुगर की पेशेंट हूँ। ठीक। तो मुझे ना गुर्दों में थोड़ा सा, मैंने टेस्ट भी करवाया था तो उसमें कैरेटन मेरा 1.1 आया है। ठीक। तो यानी कि मुझे गुर्दों का कोई मसला है या नहीं है? दूसरी बात यह है कि जब मैं वजू वगैरह करूँ, पाँव धोने लगूँ तो मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे मेरे पेशाब के कतरे जो हम वो निकल रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या वाकई मुझे कोई है मसला? वजन मेरा 54 है। ठीक है, और उम्र क्या है आपकी? उम्र भी तकरीबन 54। ठीक है, अभी डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे, थैंक यू नसरीन आपने हमें कॉल की। जियाउद्दीन हमारे साथ कॉलर मौजूद है, जी मेरे भाई बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जियाउद्दीन बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी बात कीजिए। जी मैडम, मैंने ये पूछना था कि मुझे किडनी में ना तकरीबन 4 से 5 साल हो गए, छोटे से स्टोन है, ठीक, लेकिन वो साल 2 साल फिर अल्ट्रासाउंड कराते हैं थोड़े से वो बढ़ जाते हैं। अच्छा। उनका यानी कि साइज थोड़ा सा बढ़ रहा है मिलीमीटर में, लेकिन ये है कि मुझे वो पेन नहीं कर रहे 3-4 साल से, लेकिन है दोनों गुर्दों में है। जियाउद्दीन आपके दोनों गुर्दों में? एक किडनी में है। कितने स्टोन है? ये तकरीबन 3 है। तीन है, ठीक है, और छोटे साइज में है।
डॉक्टर से आपने किसी से रابطہ किया है कुछ बताया उन्होंने? रابطہ किया तो उन्होंने कहा था यार ये आपको पेन नहीं कर रहे, तकलीफ नहीं दे रहे, तो इसको रहने दें, अच्छा इसको ना छेड़ें। ठीक है ज़ियाउद्दीन, इस पे डॉक्टर साहब से हम बात कर लेते हैं, थैंक यू आपने कॉल की। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मरियम ने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि गुर्दों में उनके दर्द रहता है, और इससे पहले भी हमारे कॉलर थे वो कहते हैं जब बहुत ज़्यादा हम बैठते हैं तो गुर्दे में आपको तकलीफ सी महसूस होती है, आप लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं, कुछ घंटों के आप ड्राइव करते हैं तो एक साइड के गुर्दे में पेन होती है, उसकी वजह क्या होती है और क्या बचा जा सकता है? पहले मैं एक और कॉलर ने भी जिगर का कहा था कि चर्बी है, जिगर जब तक ज़्यादा डैमेज हो जाए ना जिगर, जैसे हेपेटाइटिस सी में होता है, फिर गुर्दों पे असर होता है, वरना जिगर को, जिगर बहुत बड़ा ऑर्गन है और उसमें अगर थोड़ा सा 10-30% हो तो किडनीज को कुछ नहीं होता। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि 3-4 कॉलर ने बताया कि बैठूं ज़्यादा तो दर्द होता है, वो गुर्दे का दर्द नहीं है, वो पट्ठों का है। अच्छा अच्छा, तो वो जो कि पीछे होता है नीचे पसलियों के, तो वो गुर्दे का समझते हैं, उठता है इस साइड से, वो जो मसल का दर्द है वो भी इतना ऐसे ही आता है, वो मिमिक करता है, तो सारे उसको गुर्दा इसलिए समझते हैं कि गुर्दा एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, तो मसल को इग्नोर कर, आपको देखें ऊपर एक केज है पूरा रिब्स का, नीचे भी पेल्विक बड़ा स्ट्रांग है, दरमियान में सिर्फ एक हड्डी है, तो उसके ऊपर जब बैठते हैं तो उसके ऊपर वर्सेटिलिटी, उसके ऊपर बड़ा प्रेशर आता है, ठीक है, तो वो बस पट्ठों का और बैकबोन का दर्द है। अच्छा, जो हमारे कॉलर थी नसरीन, डॉक्टर साहब उसने पूछा था 24 साल से शुगर है मगर जब वो वजू वगैरह करती हैं तो उन्हें फील होता है कि शायद यूरिन के कुछ चंद ड्रॉप्स हैं जिसकी वजह से, वो उसके लिए तो किडनी का फॉल्ट नहीं है, वो कंट्रोलिंग सिस्टम का फॉल्ट है, ठीक है, वो उनका मजीद चेकअप करना पड़ेगा, मजीद चेकअप करना पड़ेगा कि फुल ब्लैडर उनका कितना कैपेसिटी होल्ड कर सकता है, और जब पास कर लें तो पीछे तो नहीं जाता, गुर्दों का नहीं है उनके मसला, वो डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, हमारे कॉलर थे ज़ियाउद्दीन, उन्होंने कहा कि 4-5 साल से छोटे छोटे 3 स्टोन हैं उनके गुर्दे में, लेकिन डॉक्टर कहते हैं रिमूव ना कराएं क्योंकि ये आपको तकलीफ नहीं दे रहे मगर साइज बढ़ रहा है। लेस देन 5 मिलीमीटर स्टोन इग्नोरेबल है, वो भी किडनी के अंदर पड़ा हो और ऑब्स्ट्रक्शन ना कर रहा हो, स्टोन तब बुरा होता है जब ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा हो, वो डैमेजिंग होता है किडनी के लिए। अच्छा, वो फिर जब स्टोन कभी वो गिर जाए फिर उसका ट्रीटमेंट हो जाए, वैसे उन्होंने चेकअप करवा लिया है, अच्छा किया है, तो उसको वॉच करें। वॉच करने का मतलब ये नहीं है लोग कई हर महीने अल्ट्रासाउंड कराने लग जाते हैं, साल में एक दफ़ा भी, फिक्र एक परेशानी होती है, साल में एक दफ़ा भी काफ़ी है, नहीं उनको दर्द होगा ना तो वो दर्द में चले जाएं तो उस वक्त उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, वो किडनी के लिए एज सच कोई खास डैमेज, उनका छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे हैं मगर लेस देन 5 मिलीमीटर, ठीक, 5 मिलीमीटर से जो ऊपर स्टोन होता है, स्टोन का साइज लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसके अकॉर्डिंगली वो फिर ट्रीटमेंट किया, उसी तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लास्टली आप मुझे डॉक्टर फैसले बताएगा कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि अपनी डेली रूटीन में आपको ऐड करनी चाहिए, मौसम का ख्याल नहीं मतलब सारा साल वो ऐड हो ताकि आप इस किस्म की बीमारियों से बच सकें और स्पेशली किडनी इशूज़ से। जी, सबसे इम्पोर्टेंट वही बात कि रिफाइंड फूड को बिल्कुल छोड़ दीजिए, ज़्यादा नमक को छोड़ दीजिए, या जैसे रिफाइंड सॉल्ट्स आते हैं उनको छोड़ दीजिए, अब जो पिंक सॉल्ट आजकल बड़ा हिट है, ज़्यादा इन है वो पिंक सॉल्ट, दैट इज़ बेस्ट, या फिर यह है कि आपका जो सी सॉल्ट होता है वो आप लीजिए, तो जितनी रिफाइंड चीज़ें उनको छोड़ दीजिए, तो मेरा ख्याल है कि 90% बीमारियों से तो आप महफूज रह सकते हैं। एक खातून ने पूछा था कि वो खाती भी बहुत हैं, 5-6 रोटियाँ खाती हैं, सॉरी अच्छा कि आपने याद करा दिया, उनको मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि वो स्ट्रेस्ड हो, वो खातून स्ट्रेस के पेशेंट भी हो सकती हैं तब भी वो ज़्यादा खा सकती हैं, ज़्यादा भूख, दूसरा हो सकता है कि उनके पेट में कीड़े भी हों, तो उनको चाहिए कि डीवर्म करवाएं अपने आप को या चेकअप करवाएं। हाँ, वो ट्रीटमेंट उनका बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके साथ ही डॉक्टर साहब, वक्त बिल्कुल मेरे पास खत्म हो चुका है, ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपना वक्त निकाला, डॉक्टर फैसल आपका भी बेहद शुक्रिया, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और हमारे शो का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।